ओके सो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे और डॉक्टर अमार बिजी थे तो इस वजह से वो ज्वाइन आज नहीं कर सकेंगे, तो हम लोग मीटिंग को कंडक्ट करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत सारी पिक्चर सेंड कर रहे हैं। देखें, गिटहब कोपायलट जो है ना, हमने आप लोगों को इसलिए दिया है ताकि आप लोग उसको एज अ रिसोर्स यूज कर सकें, जहां पर आपको प्रॉब्लम हो या कुछ। इसका यह मतलब नहीं है कि आप लोग अपनी कोडिंग की जो स्टार्टिंग ही है वो ही गिटहब को पायलट से करें। लोग क्या कर रहे हैं अक्सर यहाँ पर कि वो जो है क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हाउ टू ड्रॉ अ बॉक्स प्लॉट, ठीक है। कमेंट करते हैं, गिटहब को पायलट उनके लिए कोड जनरेट कर देता है, ठीक है। गिटहब को पायलट उनके लिए कोड जनरेट करता है और वो उनके कोड में कोई ना कोई इशू आ रहा होता है, वो जो सेंड कर देते हैं। तो देखें, अगर आप अपनी स्टार्टिंग प्रोग्रामिंग की स्टार्ट में ही आप लोग गिटहब को पायलट को यूज करना शुरू कर देंगे ना, तो आपको लाइक बहुत प्रॉब्लम्स होंगी आगे, क्योंकि ये आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक जो है ना, शुरू के दिनों में आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक बिल्ड हो रही होती है कि कैसे डेटा स्ट्रक्चर काम करता है, कैसे लिस्ट के अंदर चीजें ट्रेवर्स कर रही हैं, डिक्शनरी कैसे चल रही है। ये सब चीजें अगर आप लोग अभी से ही गिटहब को पायलट के थ्रू सॉल्व करना शुरू करेंगे ना, तो आप लोग आगे जो है ना कोडिंग में बहुत मसले आएंगे आपको, ठीक है। तो मेरी जितने भी यहाँ पर, अच्छा कंटिन्यू लूप प्लीज रिपीट कर दे, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपने गिटहब को पायलट को डिसेबल कर दें, और जब आप लोग किसी प्रोजेक्ट करने में या जब आप लोग एक्सपर्ट हो जाएं तब आप उसको थोड़ा बहुत यूज कर सकें हैंडी। क्योंकि मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैं तकरीबन कह लें महीना दो पहले, मैं मतलब उससे पहले बहुत ज्यादा मैंने कोपायलट स्टार्ट की थी, तो मतलब गिटहब कोपायलट को यूज करना, तो मसला ये आ रहा था कि जब मैंने उसको 1 महीना 1.5 महीना यूज कर लिया तो मैं खुद से कोड लिखने में मुझे बहुत इश्यू आ रहा था। तो आप लोग गिटहब कोपायलट को एज अ रिसोर्स यूज करें, ना ये कि आप लोग उस पर पूरी तरह डिपेंड हो जाएं, ठीक है। मैं जरा ठीक है, लूप सब भी नहीं समझ आ रहे आप लोगों को। अच्छा, इस तरह करें, वो लोग अपने हैंड रेस करें जिनको अब भी लूप नहीं समझ आए। नहीं समझ आए कोई मसला नहीं, आप लोग हैंड रेस करें जिन जिनको लूप्स की नहीं समझ आई या उनको मसला हो रहा है, हैंड रेस कर लें आप लोग। फोर्टीन पार्टिसिपेंट्स, अगर देखें, अगर आप लोग मतलब हैंड रेज ज्यादा लोग करेंगे तो मैं समझूंगा कि नहीं समझ आ रही लोगों को। अगर मसला है तो बताएं, अगर नहीं है तो कोई मतलब कोई इशू नहीं है, आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड के साथ मुझे बता सकते हैं। अगर लूप नहीं समझ आ रही या प्रॉब्लम हो रहा है, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा या लॉजिक में कोई मसला आ रहा है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा तो ठीक है, मैं अब मैंने लास्ट वीडियो में तो बहुत डिटेल से उसको समझाया था, मैं एक ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ। ये स्कोर मैं अपना खोलता हूँ आप लोगों के सामने। ओके, लेट गिव मी सेकेंड। मेरी स्क्रीन विजिबल है? अगर विजिबल है तो थम्स अप का निशान कर दें या टिक कर दें कुछ। जी विजिबल। ओके सही है, विजिबल है, बस ठीक है। ओके सो मैं अब मैंने खैर यहाँ पर आप लोगों के लिए सेव कर लेता हूँ इसको दोबारा, इसका मैं नाम रख लेता हूँ लूप्स अंडरस्कोर टू डॉट आई पी वाई एन जी, ठीक हो गया। मुझे एक अच्छा, तो देखें व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या, हैंड डाउन कर दें अपने। देखें बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, व्हाइल लूप को समझें, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। मैंने एक काम बार बार एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है, बार बार एग्जीक्यूट करवाना है। मैं चाहता हूं कि मेरे लिए एक काम को, ये मैं कहता हूँ 1 से लेके 10 तक मेरे लिए प्रिंट करे, तो मैं लिखता हूँ आई इक्वल्स टू 1, ठीक है। फिर मैं लिखता हूँ व्हाइल
वाइल आई इज, मैं कोपायलट को डीएक्टिवेट करता हूँ ताकि वाइल आई इज लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि आई मेरे पास 1 है, ठीक है, 1 है, सही है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। मुझे ये बात बताएं कि क्या 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है, यहां पे ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, कमेंट में लिख दें मुझे। ट्रू आएगा या फॉल्स, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 है कि नहीं, ट्रू आएगा या फॉल्स। ट्रू आएगा, ठीक है, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। यहां तक बात समझ आ रही है, कंडीशन ट्रू हो गई है, सही है। अब ये कंडीशन जो, अब मैं कहता हूं प्रिंट कर दो मेरे लिए आई को, इसी को, ठीक है। अब ये कंडीशन तो ट्रू होगी, लूप क्या होता है, बार बार एग्जीक्यूट होता है। अब ये दोबारा जब जाएगा तो यहाँ पे दोबारा 1 लिखा हुआ आएगा, ये फिर कंडीशन ट्रू होगी, फिर प्रिंट होगा, फिर ये तीसरी दफा जाएगा फिर कंडीशन ट्रू होगी, चौथी दफा जाएगा फिर कंडीशन ट्रू होगी, बार बार जाएगा कंडीशन ट्रू ही रहेगी, सही है। तो यह एक इन्फिनिटी की तरफ चले जाएगा, हमेशा चलता जाएगा। आप अपने कंप्यूटर को 2 दिन भी ऑन रखें ना, तो ये 2 दिन, खैर उससे पहले आपकी मेमोरी फुल हो जाएगी और क्रैश कर जाएगा प्रोग्राम, ऐसी आपको बता रहा हूँ। ये कि हमने इसको बताना है कि अब तुमने भरना भी है, लाइक 1 पे नहीं रहना। तो मैं कहता हूँ 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, ठीक है। मैं कह रहा हूँ कि 1 में 1 ऐड कर दो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आई में इस वक्त क्या पड़ा हुआ है मुझे ये बताएं, कमेंट सेक्शन में इस वक्त आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है कमेंट्स में मुझे बताएं। 1 पड़ा हुआ है, ठीक है, आई के अंदर 1 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है, यहाँ पे आई के अंदर 1 पड़ा हुआ है, और 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। ये मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। 1 प्लस 1 यहाँ पे अब चल किस तरह रहा है, हमारे पास आई 1 है, कंडीशन ट्रू है, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसके बाद फिर इस लाइन को पड़ेगा जो कंपाइलर है ना, ये 4-3 लाइनें पढ़नी, अब चौथी लाइन की बारी है। तो यहाँ पे 1 के बजाय 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे पहले आई 1 था, अब यहाँ पे आई 2 हो जाएगा इंटरनली। फिर इस आगे फिर ये दोबारा कंडीशन ट्रू होगी, 2 इज लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन ट्रू है ना, जब ये कंडीशन ट्रू है तो ये दोबारा प्रिंट चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखिए इंटरनली क्या होगा, ये 2 आ जाएगा। रहमान ये नोटेशन कौन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कंडीशन आपके लिए 3 हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन ही सॉरी आई की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर 3 लेस देन और इक्वल टू 10, ये कंडीशन भी ट्रू है, सही है। मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 10 ट्रू है कि नहीं, ये मुझे बताएं, चैट पे लिखें, ठीक है, सही है, 2 ट्रू है। तो ये कब तक ट्रू रहेगी, अंटिल एंड अनलेस ये 10 हो जाएगा। जब ये 10 हो जाएगा तो ये भी 10वीं दफा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब ये कंडीशन इंटरनली चलेगी तो 10 प्लस 1 इज इक्वल टू 11। आई के अंदर क्या पड़ा हुआ है, अब 11। अब यहां पर जब ये कंडीशन 11 होगी तो अब क्या होगा, अब बताएं यहां पर क्या होगा, ये कंडीशन फॉल्स है कि ट्रू है, कमेंट में लिख दें। ये फॉल्स है, बस सही है, मैं समझ गया, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास लूप इस तरह चलता है, सही है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो देखिए मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। ये अभी रन होगा क्योंकि मैंने न्यू फाइल बनाई, ठीक है। ये देखें सिंपली 1 से लेके 10 तक प्रिंट हो गया, बस बात खत्म। ये है लूप, और इसमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है लूप में, ठीक है ना। अब बताएं, अब भी अगर किसी को ये ना समझ आई हो, वो भी हैंड रेस कर दे, खैर ये भी अगर नहीं आई समझ किसी को, मतलब ऑनेस्ट बात बताएं, अगर नहीं समझ आई तो मैं उससे पूछूंगा, बताऊं क्या पॉइंट समझ नहीं आ रहा, समझ आ रही है, चले ठीक है, समझ चले ठीक है। अब मैं फॉर लूप पे जाता हूँ, ठीक है, मैं गया आप फॉर लूप पे, सही है। फॉर लूप जो है पाइथन का, ये बहुत सिंपल लूप है, मतलब बहुत ही, इसमें आपको लांजे वगैरह फेस नहीं करने पड़ते। इसको समझाने से पहले मैं आपको इसी लूप में एक और एग्जांपल दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लिस्ट में ले जाता हूँ इस लूप को, ताकि आपको, और मैं लिखता हूँ लिस्ट 1, ठीक है। अब मैं लिखता हूँ 1 2 3 4, सही है।
अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो ये कि मैं लेंथ ऑफ लिस्ट का फंक्शन दे दूं, या सिंपल काम करते हैं और भी सिंपल काम, इस लिस्ट में कितने नंबर एंटिटीज, 1 2 3 4, ठीक है चार है ना, ऐसा ही है कि नहीं, चार है कि नहीं, ठीक है मैं देखता हूँ, हाँ 0 to 3, हाँ 0 to 3 यही है, 0 to 3 चार को ही कहते हैं, लाइक 0 से लेके 3 तक देखें, 0 1 2 3 ये चार एंटिटीज, 0 से 3, पाइथन में 0 से चल रहा है ना। तो अब देखें मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ लेस देन 4 या लेस देन और इक्वल टू 3, जिस तरह आप लोग कह रहे हैं कि 0 से 3 तक, ठीक है ना। अब मैं कहता हूँ मेरे लिए प्रिंट करो लिस्ट में, लिस्ट 1 में आई, सही। अब देखें ये, देखें ये यूं इस तरीके पे प्रिंट हो गया, बहुत ही सिंपल तरीन लूप का तरीका, ठीक है ये इस तरह आया, ये इधर आया, ये यूं हुआ। अब भी मुझे बताएं, अगर लूप समझ नहीं आई किसी को तो मुझे बताएं, लेकिन वो लोग जो टाइम पर आए, ये ना हो कि कोई अभी इंटर हुआ और मुझे कह दे मुझे लूप समझ नहीं आया, चले अगर वो भी आया तो वो भी बता दें, जिसको भी लूप नहीं समझ आई। अच्छा अली आप, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आप बोलें आपको क्या कंफ्यूजन है। अस्सलाम वालेकुम रहीम भाई, मुझे इशू ये है कि हम वैल्यू जो पहले जो आपने लिखा था आई इक्वल्स टू 1, अब आप आई इक्वल्स टू 0 कर रहे हैं, लाइक इसमें क्या लॉजिक है कि हमने आई इक्वल्स टू 0 या 1 ही क्यों रखा है, ये समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ मैं आपको बताता हूँ, ये कोई मसला नहीं है, मैं इसको 1 से कर देता हूँ, चलो आप देखो मैं इसको बस 4 पे ले जाऊंगा, मतलब या मैं पाइथन को कह रहा हूँ इसको 0 मान के चलो, 0 1 2 और 3, ठीक है, या इसको ये 1 से भी रीड कर सकते, लेकिन इंटरनली ये 0 पे काउंटिंग इसकी 0 से स्टार्ट हो रही होती है, क्योंकि आप कोई लिस्ट पकड़ाए ना, लिस्ट बनाए तो उसमें बाय डिफॉल्ट 0 से आता है। अब आप इसे कह रहे हो मेरे लिए 1 से करो, अब मैं देखो मैं इसको 1 से करूंगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे अब देखो प्रॉब्लम आ गई है, एक मिनट मैं अभी आपको बताता हूँ क्यों आई है लिस्ट आई। हाँ एग्जैक्टली ये देखो, इसने अब मैंने 1 से किया तो क्या प्रॉब्लम आई है, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करो क्या प्रॉब्लम आई है। देखो इसने पहले वाला स्किप कर दिया है, क्योंकि मैं अब नया आपके लिए बॉक्स बनाता हूं, ऊपर देखो मैं लिखता हूं लिस्ट 1 के 0 पे क्या पड़ा हुआ है, एक मिनट एल आई एस टी, मैंने स्पेलिंग सही दी है तो ये फिर क्यों रीड नहीं, हाँ अच्छा एक मिनट मुझे बताओ यहाँ पे प्रॉब्लम, लिस्ट 0 में क्या पड़ा हुआ है ये मुझे बताओ, 1, और ये हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं इस वक्त, यहाँ पे क्या, अच्छा एक मिनट है चलो और आसान, मैं 1 2 3 का किसे ही खत्म कर देता हूँ, मैं और इसको आसान कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अली, ठीक है, ताकि 1 2 3 पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो मैं सुभान, ठीक है जी साहिल भाई आपका कोई क्वेश्चन। अब्दुल रहीम भाई आप ऐसे कर लें कि आई को इंडेक्स लिख लें तो सबको ये पता चल जाएगा कि आई इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ ये अच्छी रिकमेंडेशन दी है इसने, ठीक है ये इंडेक्स कर देते हैं, चलो और भी ये इसने एक अच्छा ऑप्शन दिया मुझे, ठीक है मैं लिखता हूँ एक मिनट, ये देखे मन, ठीक है ये करने से पहले मैं आपको एक जनरल सी लिस्ट बना के देता हूँ कि लिस्ट में एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है ठीक है। अली आपको देख रहे हो ये, जी जी ये मैं आपके लिए ये किया, ठीक है अब मैं लिखता हूँ एल आई एस लिस्ट के 0 पे क्या पड़ा हुआ है, तो लिस्ट के 0 पे 1 पड़ा हुआ है, क्योंकि इसका इंडेक्स 0 है ना, जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी एक, याद है ना, और हाँ या फिर मैं इधर चलो कुछ और लिख लेता हूँ यार, अली लिख लेता हूँ, चलो इधर देखो ये देखो अली आ गया, क्योंकि 0 पे अली पड़ा हुआ है, बात समझ आ रही है। इसी तरह इसके 0 पे अली पड़ा हुआ है, इसके 1 पे सुभान पड़ा हुआ है, इसके 2 पे ताहिर पड़ा हुआ है, ठीक है ना, बात समझ आ रही है। अब जो साहिल ने अच्छी रिकमेंडेशन दी है कि यहाँ पे इंडेक्स लिख लो,
सही हो गया। अब क्या हो रहा है, अब मैंने लूप को कहा है कि कब तक तुमने चलना है, मतलब तुमने चलना कब तक है, आपने तब तक चलना है जब तक ये लेस देन, अब यहाँ पे वन से मैं कर रहा हूँ ना, तो ये इसको मैं अब यूं कर दूंगा लेस देन, यहाँ पे मैं इसको जीरो से चलाता हूँ ताकि ये इसको भी रीड करे, ठीक है ना, इसको भी रीड करे। जब अब मैं बताता हूँ ये जीरो से इसको, अब सवाल ये पैदा होता है कि जीरो से इसको कैसे रीड करेगा, ये तो बिल्कुल अलग चीज है ना, और ये बिल्कुल अलग चीज है, ये ऐसे करेगा कि मैंने लिख दिया लिस्ट के अंदर ये दे दिया है, तो जब इंडेक्स में जीरो पड़ा होगा तकी अगर कोई आए तो उसे एडमिट आप कर दो। अच्छा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ पे समझ आ रहा है या नहीं ये बताओ, नहीं आ रहा तो मुझे इंडेक्स तक समझ आ गया। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही पूछने वाला था, जो आपने लिखा व्हाइल इंडेक्स इज लेस देन, अब यहाँ पे फोर लिखा, मेरा जो क्वेश्चन ये था कि ये जो हम यहाँ पे नंबर्स चूज कर रहे हैं लाइक 3, 4, 5, इसकी लॉजिक बेसिकली समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या लॉजिक लगाई जाए कि 4 है या 3। चलो मैं यूं कर लेता हूँ, इसको देखो, अब मैंने सोचो मैंने 3 क्यों लगाया, लेस देन और इक्वल टू 3 क्यों लगाया, क्योंकि लिस्ट में 3 है हमारे पास, बस बस अगर मैं लेस देन 4 लिखता हूँ तो ये मैक्सिमम 3 तक ही चलेगा ना, और मैंने लेस देन इक्वल टू 3 कर लिया तो अब ये कहाँ तक चल रहा है, अब थोड़ा सा यानी कि इट डज नॉट मैटर कि हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, ये उसके लिस्ट में जो हमारे पास नंबर्स गिवन है ये उसके हिसाब से रन करेगा। हाँ लिस्ट में जो गिवन है उसके हिसाब से कर रहा है, ठीक है ठीक। अब मैं इसको रन करता हूँ तो देखो क्या आता है, एक मिनट, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, लेट मी चेक, इंडेक्स 0, 1, 2, हाँ ये देखें ये 2 हो गया, क्योंकि 0 पहले मैंने 4 तक उसमें टोटल मैंने 4 एंटिटीज डाली थी, इसमें देखिए 0, 1, 2 एंड 2, तो यहाँ पे पहले तुम ये जब ये पहली मर्तबा लूप चलेगा तो इस इंडेक्स में क्या पड़ा हुआ है, 0, ठीक है ना, है ना 0 पड़ा हुआ है ना, तो इस यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, सो यहाँ पे 0 है, ठीक है, और यहाँ पे भी इंटरनली 0 है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, पहले लिस्ट 1, 0 पे क्या अली को प्रिंट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा, फिर जब इंक्रीमेंट लग जाएगा तो ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, 1 हो, यहाँ पे नहीं वो अब पुरानी हो गई भाई, अब यहाँ पे ये 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी ये 1 आ जाएगा, तो ये इसको प्रिंट करेगा, ठीक है, बात समझ आ गई। अब फिर यहाँ पे जब ये एक और इंक्रीमेंट हो जाएगा तो जो इंडेक्स है वो मेरे पास 2 हो जाएगा, 2 less than or equal to 2, ये कंडीशन भी 2 है, तो ये लिस्ट 2 जब आएगा तो ये ताहिर को प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इस तरह करता हूँ, दोबारा से इसको इंडेक्स कर दे, ठीक है, मैं इसको अब रन करता हूँ, ये क्या हुआ, एक मिनट लेट मी सी, हाँ मैंने सिर्फ यहाँ पे 2 ही लिख दिया, यहाँ पे मैंने इंडेक्स लिखना था, ठीक है, ये देखो, और मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, 1 से, तो उसने 0 वाला पढ़ा ही नहीं, तो अब मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ, अब देखो समझ आ गई है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे जो हमने ये जो लास्ट 5वीं लाइन है इसमें लिखा हुआ है इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, जो प्लस 1 हमने हमेशा प्लस 1 ही करना है या प्लस 2 प्लस 3 ऐसा भी, प्लस 2, चलो प्लस 2 करके देखते हैं क्या आता है सर, मैं इसके लिए जरा मुझे लिस्ट बड़ी बनानी पड़ेगी, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं अब देखो मैंने ढेर से, अब मैं देखो प्लस 2 करता हूँ तो क्या होगा, मैंने प्लस 2 कर दिया, ये देखो उसने अली पढ़ा, 0 में प्लस 2 किया तो उसने इसको स्किप कर दिया है, क्योंकि उसमें उसने तो इसको पढ़ा ही नहीं, वो डायरेक्ट इधर जंप उसने कर लिया, मतलब वो उसने उसकी नेक्स्ट को उठाया प्लस 2 में वो ताहिर पे आ गया, हाँ वो इसने इसको स्किप कर दिया ना, क्योंकि आपने तो हम एक एक इंक्रीमेंट इसलिए करते हैं ताकि वो सबको पढ़े, एक एक करके सब पे जाए, समझ आ गई है, बस इसलिए इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सुलेमान आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, मैंने आपको अनम्यूट के ऑप्शन दिए, जी जी अब्दुलरहीम भाई आवाज आ रही है, जी जी आ रही है, बोले, मैं ये बता रहा था कि व्हाइल लूप में जो इंडेक्स है ना लेस देन इक्वल टू 2 आपने लगाए, तो ये भाई को ये समझ नहीं आ रहा है कि ये 2 आप क्यों लिख रहे हैं, तो इसमें आप जनरली लिख लो लेंथ ऑफ लिस्ट ना लिस्ट 1,
हाँ तो उसको समझ आ जाएगी। मैं इसमें भी ले जा रहा हूँ और वो भी कर रहा जी हूँ। मैं पहले असल में जी लोगों, जी कल मुझे लोग कह रहे थे कि ये लेंथ क्यों लिखा, ऐसा मुझसे क्वेश्चन, असल में मैं और लोगों के भी जो यहाँ पे बैठे हैं जी जी उनको जी भी लेके बिल्कुल सोच रहा हूँ। वो ठीक मुझसे है ठीक पूछ है रहे थे कि थैंक। जी ये लेंथ की क्या मंतक है। तो मैं अब इसके बाद में यही बात करने वाला था कि हम यहाँ पर सिंपली हमें पता नहीं चलता समटाइम्स के लिस्ट की। अब ये तो देखो, ये तो इतनी छोटी सी लिस्ट है ना, जी ये तो मुझे नजर आ रही है कि इसमें 5-6 वैल्यूज पड़ी हैं। हमारे पास जब हजारों डिजिट्स की लिस्ट होगी तो उसका क्या तरीका है? उसका आसान बिल्कुल तरीका ये है कि ये सिंपली मैं लिख दूंगा लिस्ट 1, ठीक है। अब ये सिंपल हो गया, बस वही। लेकिन ये मैंने चूंकि इंक्रीमेंट +2 किया था। अच्छा हाँ ठीक है। अच्छा साहिल, आप कुछ पूछना चाह रहे हो? जी, मैं सिर्फ ये आपको सजेशन देना चाह रहा हूँ कि आप बार बार नंबर डिफाइन कर रहे हो ना, तो उसकी जगह पर हम प्रिंट में इंडेक्स भी रख सकते हैं, तो वो बताता जाएगा ये इंडेक्स है तो ये लिस्ट का मेंबर प्रिंट हुआ। हाँ, इंडेक्स को भी प्रिंट कर दिया जाए, यानी आप ये मुझे कह रहे हो, ये अच्छी बात है। साहिल तो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है, ये तो माशाल्लाह मेटा एनालिसिस का काम भी इसने किया है, तो माशाल्लाह हमारी टीम में बड़ा एक्सपीरियंस बंदा है। हो एक मिनट, ये मैं इसको मैं हल करता हूँ। लेकिन अब ये देखें, यहाँ पे देखें, ये अब इसने बड़ी अच्छी सजेशन दी है। इसने यहाँ पे इंडेक्स भी प्रिंट करवा दिया कि अली देखें 0 पे था, ठीक है, सुभान 1 पे था। मतलब ये आपको साथ साथ इंडेक्स भी बता रहा है कि इस इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, इस इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है, सही है। अच्छा अब भी मैं जी जुनैद, आवाज आ रही है नहीं भाई? जी, आ रही है। मैं ये कह रहा था कि एक और चीज हम ये कर सकते हैं, एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में ना पहले हम डबल कॉलन में जैसे खाली स्ट्रिंग लिखते हैं, हम लिख दें इंडेक्स और डबल कॉलन लगा के आगे कॉमा के बाद ना इंडेक्स लिखते हैं और फिर लिस्ट वन इंडेक्स लिख दें, यार वो तो तो एक ही स्टेटमेंट बड़े में हो जाएगा। बेबहा तरीके है, लेकिन अभी मैं सिंपल, बस जस्ट मैं सिंपल जा रहा हूँ। अच्छा अब मुझे जी जी बताएं, बस कंफ्यूजन क्लियर हो गई है सारी टाइम भाई। ठीक है सही है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि किसको समझ नहीं आई अभी वाइल्यू? बिल्कुल नहीं आई, सीधा बोले नहीं आई, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। जी मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया, मोहम्मद ताज अनम्यूट कर ले। तजमुल अब्बास, सॉरी ताज नहीं है, आप अनम्यूट ही नहीं कर रहे खुद को। चले मैं अब क्या कर सकता हूँ, नीचे बटन बना हुआ है माइक का, उस पर क्लिक करो अनम्यूट हो जाओगे आप। चले मैं अली जावेद से क्वेश्चन ले लेता हूँ। तब तक आपको मैंने अनम्यूट के ऑप्शन दे दिया अली भाई, एमी अच्छे इतने बहुत लोगों ने आभार। जी जी बोले अब्दुल आप। रहीम वालेकुम अस्सलाम। भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आज पहली दफा आपके साथ बात हो रही है, थैंक यू वेरी अच्छा मच। अच्छा ये बताएगा इसमें, ये जो आपने, मैं साथ साथ जो जो आप कोड लिख रहे हैं, मैं साथ साथ प्रैक्टिस भी उसके लिए देख रहा हूँ अपने सिस्टम पे, तो ये जो आपने लिखा हुआ है LEN लेंथ, ये वाइल में आपने लिखा हुआ इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स आपने लिखा हुआ 0, तो ये 0 से स्टार्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिख दूँ 2, तो फिर ये ताहिर पे आ जाएगा। फिर ये बिल्कुल एग्जैक्टली ताहिर से, अब देखें यहां से अब स्टार्ट करते हैं। देखें अब ये कहाँ से स्टार्ट होता है, एक मिनट इसको छोड़ें, अभी हमारा मकसद समझाना है और चीजें देखना नहीं है। कोई ताहिर बात नहीं, आप टेक है, योर टाइम। जी ताहिर है, देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसने 0 को भी नहीं पढ़ा, इसने 1 को भी नहीं पढ़ा, इसने डायरेक्ट ताहिर पे जंप इन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर तो बहुत ज्यादा हैंड रेस तो नहीं हुए, चलो औरों से भी पूछ लेते हैं, लेकिन वो पूछें जो टाइम पर आए हैं, ठीक है। सर, ये दोबारा समझा देंगे नहीं? मुझे क्या सैयद, अच्छा आप किसी और के, सही आप अलिशबा के नाम से जो आए हैं, दोबारा समझा दूं? किसने कहा मुझे, अली जावेद ने कहा कि किसने कहा? सलाम वालेकुम सर। हाँ वालेकुम अस्सलाम। सर ये यूजेस बता दें बस मुझे कि वाइल लूप और फोर लूप मतलब हम किस तरह से यूज करते हैं। अब दोनों तो लूप एक ही मतलब यही होता है कि हम कोई भी कंडीशन को रिपीटेड टाइम चला सकते हैं। अब यही कंफ्यूजन होता है कि वाइल लूप कहाँ चला है और फोर लूप कहाँ चला है। देखें आपको बहुत सारे सिनारियो ऐसे मिल जाएंगे जहां पे वाइल और फॉर लूप दोनों लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसे सीन्स मिलेंगे जहां पर सिर्फ वाइल लूप चलेगा या फॉर लूप चलेगा। लेकिन वो अभी अभी देखें, यहाँ पे लोगों को बहुत बेसिक प्रॉब्लम, मैं और चीजों पे नहीं जाना चाहता। जी अशफाक भाई,
सलाम वालेकुम सर, वालेकुम। आवाज। अच्छा सर, एक चीज मुझे कंफ्यूज करती है, कभी आप प्रिंट के अंदर वो हम पिछली बार देखा था, वो प्रिंट के अंदर हमने सादा वो लिस्ट वन, कभी दो दो कोड, ये क्या वजह इधर इस तरह क्यों लिखते हैं? इससे जो सिंपल कोड था उसमें हमने ये जो वो मैंने एक बगैर लिस्ट के किया था, वो वाला मैं आपको बताता हूँ। वो मैं आई गेस मैंने इसी में एडिटिंग किया। वो मैंने क्या किया था, वो मैंने सिंपल बगैर लिस्ट के किया था। वो सिंपली मैंने ये किया था कि आई जीरो से स्टार्ट हो रहा है या आई वन से कर लेते हैं चले, और मैं लिखता हूँ वाई। वो मैंने सिंपल काम किया था, ठीक है। मैंने कहा था आई लेस देन और इक्वल टू 10, अच्छा वो मैंने ये किया था। और मैंने लिखा था कि प्रिंट कर दो आई, वो मैंने सिंपल लूप बनाया था। और मैं अब फिर यही पूछना चाहता हूँ, हमें कैसे मतलब ये कैसे जज करना है कि यहाँ पे ये लिखना है इसकी, मतलब अगर थोड़ा सा इसका बता दें। मुझे असल में कन्फ्यूजन ये है कि ये कब पता लगेगा कि हमने यहाँ पे इस वेरिएबल को कॉल करनी है, मतलब उसको, ये कन्फ्यूजन है कि सिंपल से इस तरह कैसे पता लगता है कि कैसे मतलब ये कब सिर्फ मैं करना है। आपको तरीका सिखा रहा हूँ कि ये इस तरह होता है और या ये इस तरह होता है, ठीक है। मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ अभी। अभी छोड़ो ये क्या किस तरह यूज होगा, इसको अभी छोड़ दो, ठीक है ठीक है, चलो। जी। सर आप कौन यू? सॉरी मैं बार बार डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं सिर्फ वो जो अलिश्बा के नाम से आए थे ना भाई, उनको बेसिक डिफरेंस ये बताना चाहता हूँ कि व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं जब हमें लिमिट पता हो कि इस लिमिट तक हमें जाना है, और फॉर लूप तब लगाते हैं जब हमें लिमिट का नाम नहीं पता, हम सिंपली लगा देते हैं फॉर लूप। फॉर लूप पाइथन में अगर बात करें तो हम ऐसे भी लगाते हैं कि फॉर आई इन जो भी लिस्ट है या जो भी आपका डेटाबेस बना हुआ है उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे ना वो फिर आप यूज कर सकते हो, जैसे कि स्पेशली आपने वेबसाइट्स में देखा होगा, ये बेसिक डिफरेंस है। हाँ, यही मैं अभी फॉर लूप पे आने पे मैं कल जो बात कर रहा था, शायद वो लोगों को समझ नहीं आई। मैं कह रहा था कि आपने इसको डायरेक्ट इटरेटेबल सीक्वेंस पकड़ाना होता है। आपने देखा हो ना, इसके कोड में कोई इंक्रीमेंट वाली चीज क्यों नहीं होती? वो इसी वजह से नहीं होती जो साहिल ने अभी बात की है, ठीक है। ठीक है, अब मैं लिखता हूँ, सिंपल काम करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज। अब ये रेंज एक और फंक्शन है जो कि बताता है कि बस रेंज आपको ये बता रहा है कि भाई इसकी रेंज कितनी। अगर मैं 100 लिखूं तो मीन्स कि ये मैक्सिमम 100 तक जाएगा, मतलब 100 नहीं लेकिन 100 तक जाएगा, ठीक है। मैं इसको 10 करता हूं, मैं लिखता हूं प्रिंट हेलो। सही है, ये बेसिक फॉर लूप है, बेसिक फॉर लूप। क्योंकि मैं इसलिए फॉर लूप को व्हाइल लूप को करूं क्योंकि एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरा लोग मुझे पिक्चरें भेज भेज के सेंड कर रहे हैं कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा। तो जमुन, मैंने आपको पहले भी आस्क टू अनम्यूट का ऑप्शन दिया था लेकिन आप नहीं कर रहे खुद को, तो मैं क्या कर सकता हूँ। नीचे क्लिक करो ना माइक के बटन पे। जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप दोबारा काइंडली इसको पॉइंट को डिस्कस कीजिएगा। क्या चीज समझ नहीं आई आप? आपने क्या कहा है, रिपीट करूं? बात समझ नहीं आई मुझे। सर लूप और वाइल लूप का कॉन्सेप्ट जो है ये काइंडली क्लियर कर दें। लूप और वाइल लूप का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं, ये कह रहे हो? अच्छा, वाइल लूप जो अभी साहिल ने बात की है कि उसमें आपको पता होता है कि आपने इंक्रीमेंट आप क्यों लगाते हैं, क्योंकि आपको पता होता है मैंने 10 तक जाना है, 20 तक जाना है, कितना जाना है, आपको एग्जैक्ट लाइन पता है। जो फॉर लूप है उसमें आप क्या करते हैं, बस डायरेक्ट सीक्वेंस पकड़ा देते हैं। आप कहते हैं बस इसको चलाओ जितना चलाना है, ठीक है। अब मैं इसी तरह करता हूँ फॉर लूप को, मैं ऐसा करता हूँ कि फॉर लूप को एक और, अब मैं ऐसा करता हूँ लिस्ट पकड़ाता हूँ फॉर लूप को। बहुत, अब आप देखेंगे ना फॉर लूप कितना आसान है। मैं लिखता हूँ लिस्ट टू, मैंने लिख दिया अली, फिर से लाइक वही कर लेता हूँ सुभान और शमीर, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने एक लिस्ट बना दी, ठीक है। अब मैं कहता हूँ फॉर आई, या इंडेक्स कर देता हूँ, इंडेक्स इन लिस्ट टू, ठीक है। प्रिंट इंडेक्स, सही है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, बहुत ही सिंपल सा कोड, बहुत सिंपल कोड, ठीक है। मैं वेटिंग रूम को बस बंद करता हूँ कि फिर और लोग लेट आते हैं और फिर मुझसे क्वेश्चन करते हैं, तो मैं वेटिंग रूम को बंद कर दूँ। देखिए जो लेट आएगा ना मीटिंग में, उसको फिर मैं इनेबल
लॉक मीटिंग, बस अब मीटिंग लॉक हो गई, आपको आधे घंटे बाद अगर किसी को ख्याल आ रहा है तो वो ना आए। अच्छा ठीक है, यहाँ पर आप देखें लिस्ट टू में तीन है, अली, सुभान और शमीर, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा है, फॉर लूप मैंने चलाया, यहाँ पर देखें मैंने इसको सिंपल लिस्ट पकड़ा दिया, ठीक है। मैंने क्या, ये लिस्ट देखो और एक इंडेक्स, इंडेक्स आप देखें फॉर लूप में जो पहले देते हैं ना, मैं कहता हूँ कि इस लिस्ट में ये इंडेक्स चेक करेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे क्या होगा, ये थोड़ा डिफरेंट काम कर रहा है, ये लिस्ट मैंने इसे दे दी है, अब ये इंडेक्स के थ्रू पहले इसको देखेगा, फिर इसको पढ़ेगा, फिर इसको पढ़ेगा, और देखें मैंने क्या, प्रिंट कर दो इंडेक्स को, तो सिंपली ये तीनों को प्रिंट कर दिया, ठीक है। व्हाइल लूप और, अब व्हाइल लूप और फॉर लूप में किसी को कोई मसला है और वो हैंड रेस करें जो टाइम पर आए हैं, जो लेट आए हैं वो हैंड रेस ना करें। जीत आ, आ, क्या नाम है, अली जावेद भाई, आप अनम्यूट नहीं कर रहे हो। वालेकुम सलाम सर, ये जो आपने इससे पहले प्रोग्राम लिखा था, ये लिस्ट टू से पहले एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा था, हाँ वो तो स्क्रीन पे दिखा दें, वो ये वाला हेलो वाला, जी जी हेलो वाला जी, हाँ ये जरा बता दें कि ये फॉर लूप का आपने कहा था बेसिक प्रोग्राम है, हाँ। इसमें आपने फॉर और यहाँ पर आपने वेरिएबल यूज किया i, इन रेंज, रेंज उसकी आपने लिख दी 10, अगर यहाँ 20 लिखेंगे तो 20 टाइम्स जाएगा, सिंपल जी, सिंपल इज दैट, 20 और ये करेगा। अच्छा ये बताया कि ये जो प्रिंट हो रहा है, ये प्रिंट हो रहा है वर्टिकल, तो क्या हम इसको हॉरिजॉन्टल प्रिंट कर, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम उन चक्रों में नहीं जा रहे कि कोई क्या क्या किस तरह कर सकता है, वो किसी भी तरीके पे हो सकता है, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी है बस, बिल्कुल क्यों नहीं है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, नहीं बस सर एक बार दिखा रहे, मैं उसको लिख लूं एक दफा बस, अभी 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 हम और चीजों को नहीं डिस्कस कर रहे, वो मैंने वो जो आप, अच्छा अच्छा ये, अच्छा ये बात कह रहे हैं, ठीक है सही है। आप क्या नाम है, ए जाहिद आपके पास, जी अस्सलाम वालेकुम, जी वालेकुम। अच्छा रहीम भाई, बाकी तो सारी समझ आ गई है, कल का एक जो उन्होंने असाइनमेंट दी थी 21.5 वाली, वो कोड नहीं बन रहा, उसको काफी कोशिश की है मगर वो कोड नहीं बन रहा। असाइनमेंट जो है वो असाइनमेंट है, वो नहीं हेल्प होगी, असाइनमेंट खुद करनी है भाई। अच्छा अच्छा नहीं, ठीक है, असाइनमेंट खुद करनी है। अच्छी आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, चलें जब तक आप अपना माइक सेट, जी हाँ आपको अनम्यूट का ऑप्शन आ रहा है, चलो उनका मसला हो गया। अच्छा अफ्रिया आपको मैंने ऑप्शन दे दिया। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम आ रही है। अच्छा मैंने भी यही असाइनमेंट के बारे में ही पूछना था, मतलब हेल्प नहीं चाहिए, मैंने बस ये पूछना था कि मतलब मैंने फॉर एग्जांपल 5.5 मैंने प्रिंट किया है ना, तो वो 5 टाइम्स आ रहा था, और अगर मैं i इज इक्वल टू i प्लस 0.5 करूं तो वो फिर डबल हो जाता है, मतलब 9 हो जाता है। असाइनमेंट ये पूछना चाह रही हूं, मैंने कहा जैसे असाइनमेंट के लिए हैंड रेस किया वो हैंड डाउन कर दे, मैंने उनके लिए किया जिनको फॉर लूप और व्हाइल लूप नहीं समझ आया वो, और उन्होंने टाइम पे, और कोई क्वेश्चन है फॉर लूप व्हाइल लूप में? नहीं वो मतलब समझ आ गया, ठीक है। अच्छा सभी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहीम जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन, आई डोंट नो ये रिलेट कर सकता है इस वाइल और फोर के साथ, मुझे एक एग्जांपल आ रही थी जहन में, जहाँ पे हमें असाइनमेंट दी गई थी जिसमें ना एक बस थी, वो बस स्टेशन को छोड़ के दूसरे स्टेशन पे जाती है, फिर वो तीसरे स्टेशन पे जाती है और चौथे स्टेशन पे जाती है, और फिर वो वापस उन्ही स्टेशन से होते हुए वापस अपने पॉइंट वन पे आ जाती है। सो अगर इस तरह की कंडीशन है तो इस कंडीशन पे व्हाइल लूप लगेगी आपको, अगर इसमें हो सकता है दोनों लग जाएं, व्हाइल लूप तो लगेगा ही लगेगा क्योंकि उस पे तो चार वो हैं, और अगर आपके पास वो लिस्ट की फॉर्म में, या दोनों लग सकते हैं। अच्छा तो अगर हमें कभी सिचुएशन है जहां पे हमें दोनों लूप्स लगानी है तो बेटर वंस कौन सी है? बेटर वंस ये तो इसके लिए मुझे इसके लिए इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चेक करनी पड़ेगी, वो बिग ओ नोटेशन होती है, वो डेटा स्ट्रक्चर्स की एक
टॉपिक है उसमें आप क्या करते हैं, किसी प्रोग्राम को रन कर, असल में कहीं जगह पर फॉर लूप अच्छा काम करेगा, कहीं जगह पर वाइल लूप अच्छा काम करेगा, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड करता है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एक अलग वो टॉपिक है, वो यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। ओके चलें ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ओहो यहाँ पे तो हैंड रेज बहुत ज्यादा, फिर हम देखें फिर क्लास लंबी ना हो जाए, 2 घंटे भी है। चले सजाद हुसैन जिसका लूप्स में क्वेश्चन हो, सजाद हुसैन आपको अनम्यूट की ऑप्शन आ रही होगी। आपको हेलो सर, एम आई ऑडिबल? जी ऑडिबल आवाज आ रही है सर। अच्छा सर मैं ये पूछना चाह रहा था, अभी आपने वाइल लूप के अंदर बड़ी जबरदस्त चीज बताई कि आप साथ लिस्ट ले लेना तो हमें इंडेक्स का नंबर पता चल जाता है कि कौन से इंडेक्स में कौन सी चीज आ रही है। तो आया कि अगर हम फॉर लूप के अंदर जो भी आपने एग्जांपल दिए इसके अंदर भी अगर मैं लिस्ट को मेंशन करूंगा तो वो लिस्ट के टोटल नंबर मुझे बताएगा या उसका भी इंडेक्स नंबर बताएगा मुझे 0, 1, 2, 3, 4? इसका इंडेक्स नंबर भी देखा जा सकता है लेकिन यहाँ पर बस फिलहाल हम वी आर जस्ट हम ठीक हो कर रहे हैं, वी आर नॉट कॉम्प्लेक्सिंग थिंग्स। ठीक है नहीं सर मैं कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, मैं वो क्योंकि आपने पहली एग्जांपल दी उधर आपने लिस्ट यूज की है, पॉसिबिलिटी है, ये कोई प्रॉब्लम ठीक हो गया ठीक, लेकिन ये ठीक हम नहीं कर रहे। अच्छा तो नहीं सर, थैंक यू सर, थैंक यू, कोई इशू नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। अच्छा इसके अंदर मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा या कंफर्म करना चाहूंगा कि वाइल लूप और फॉर लूप के अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि जब भी हमने हमारे पास कोई कंडीशन है ना, यानी हमने किसी कंडीशन के तहत अपने लूप को चलाना है तो उस सूरत में हमें वाइल लूप सबसे सूटेबल होता है, और जब हमारे पास रेंज है तो उस सूरत में हमें फॉर लूप सूटेबल रहेगा। यही मैं कह रहा हूँ। जी जी बोले आप, बात मुकम्मल करने। जी जी मतलब यही है, एक सिंपल लाइन में याद रखना, अगर आपने कंडीशन करनी है तो आप वाइल लूप करें, अगर आपके पास रेंज है तो आप फॉर लूप करें। बिल्कुल इसी तरह ही है, लेकिन मैं अभी बातों को लाइक मैं अभी उस तरफ पे नहीं लेके जा, मैं कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को इसमें भी मसले आ रहे हैं इस वजह से। ठीक है अशफाक साहब आपको और अली जावेद, फिलहाल अभी मैं खिजर का लेता हूँ आप लोगों से। जी खिजर बोले। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? जी वालेकुम अस्सलाम। जी रहीम भाई आगे पढ़ाइए, अब समझ आ गई है फॉर लूप और काफी लगा लेंगे। ठीक है चले मैं फिर औरों के क्वेश्चंस लेता हूँ बाद में। ठीक है फिलहाल ये मैं अच्छा हाँ अच्छा चले ठीक है, लूप वगैरह समझ आ गया मैं अब इसका मतलब है। अब हम सिंपल काम करेंगे, एक मिनट में अब हमने क्या करना है, सिंपल लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। ठीक है लाइब्रेरी इंपोर्ट करने से पहले आप लाइब्रेरी इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करें। ठीक है लाइब्रेरी इंपोर्ट करना होता क्या है, लाइब्रेरी इंपोर्ट करना इस तरह होता है ना पाइथन की अगर कोई लाइब्रेरी है ना तो उसको आप बिल्कुल एक आम लाइब्रेरी की तरह समझें। जैसे एक आम लाइब्रेरी में आप नहीं चले जाते, आम लाइब्रेरी के अंदर क्या होता है, ढेर सारी बुक्स पड़ी होती हैं। ठीक है ना, तो इसी तरह पाइथन की लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स के बजाय बहुत सारे फंक्शंस या क्लासेस वगैरह पड़ी होती है। फिलहाल आप ये समझें कि पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर बहुत ज्यादा बुक्स के बजाय बहुत ज्यादा फंक्शंस पड़े होते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आप अभी समझ लें। अब मैं इस तरह करता हूँ, एक लाइब्रेरी आप लोगों के सामने लेकर आता हूँ। ठीक है मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट, सिंपल सिंपल काम, इम्पोर्ट मैथ, मैथ की लाइब्रेरी है। ठीक है अब मैथ की लाइब्रेरी के अंदर बहुत मुझे बताया मैथ्स की लाइब्रेरी में क्या क्या पढ़ा हो सकता है। मैथ्स की लाइब्रेरी में लॉग पढ़ा होना चाहिए, एजम्पशन में ऐसी बात कर रहा हूँ, कॉज होना चाहिए, साइन होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए, फैक्टोरियल होना चाहिए, मतलब बहुत सारे चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है अब मैं मैथ्स की लाइब्रेरी को मैंने रन कर दिया। ठीक है अब ये मेरे पास कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर आ गई, अगर मैं ये रन ना करता ना तो मेरी कंप्यूटर को मतलब उसकी मेमोरी में ना आता। अब मैंने कर लिया तो अब उसकी मेमोरी में आ गया। अब मैं लिखता हूँ मैथ, अब मैं चाहता हूँ कि इस लाइब्रेरी के अंदर के फंक्शंस में एक्सेस करूं तो कैसे एक्सेस होंगे, उसका नाम है डॉट ऑपरेटर। ये है डॉट ऑपरेटर, इसको डॉट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है इससे आप किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शन होते हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं। सही है अब मैं लिखता हूँ मैथ डॉट कॉज, कॉज आपने कैलकुलेटर में देखा होगा ना, कॉज जीरो क्या होता है, जो फिजिक्स वाले हैं वो उनको तो बहुत अच्छी तरह पता है, 1। ठीक है फिर मैंने लिखा मैथ डॉट साइन, ठीक है साइन जीरो क्या होता है, 0 होता है। इस तरह हमारे पास इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैं कहता हूँ लाइक लॉग कर लेते हैं, मैं कहता हूँ मैथ डॉट लॉग,
log 10 भी है, देखिए कितने बहुत सारे हैं, मतलब बेबहा फंक्शन है इसके अंदर, ठीक है। मैं कहता हूँ log ऑफ 5 मुझे बताओ क्या होता है, तो वही इसने मुझे कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। तो लाइब्रेरी में क्या होता है, हमारे पास सिंपल लाइब्रेरी होती है और उसमें हम पूछते हैं कि भाई बताओ क्या, उसमें हम बताते हैं कि हमें ये वाला फंक्शन चाहिए और उसको हम यूज करते हैं। अब मुझे बताएं जिसको लाइब्रेरी के अंदर मसला आ रहा है वो हैंड बेस करे, एक मिनट मेरी जरा बैटरी लो हो गई है, मैं इसको चार्जर लगाना मुझसे भूल गया था, मुझे एक अगर आप लोगों को लाइब्रेरी का इशू आ रहा है तो आप जो है ना चैट में लिख सकते हैं, तो हमारे जो को इंस्ट्रक्टर हैं वो आपको वहां पर जवाब दे देंगे, आप जो है ना हैंड लोड कर लें, ठीक है। तो कोई चैट में मैं देखता हूँ, स्क्रीन जूम कर दें, ये अच्छा याद करा है, ये असल में जूम करना मैं बहुत जूम में करता हूँ पहले, जूम क्यों नहीं हो रही आज। अब्दुल रहीम जो क्यू एन ए सेशन है वो एंड में रखेंगे, आप जो है ना इस चीज को कंटिन्यू कर। हाँ ये भी ठीक है, सही है, ठीक है, चले सही है, ओके। क्वेश्चन आंसर सेशन हम एंड पे रखेंगे क्योंकि इनकी बात ठीक है, फिर टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा इस तरह। तो लाइब्रेरीज भी हो गई हमने कवर करनी है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को जुपिटर पढ़ाऊंगा, ठीक है, जुपिटर ये वाला भी और जो वीएस कोड है इसका भी थोड़ा इंटरफेस का थोड़ा डिफरेंस हो रही है चीजें। सबसे पहले मैं रुके अपनी फुल स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले, एक मिनट लेट मी, सो मीनवाइल हम ये भी देख सकते हैं कि लाइब्रेरीज होती क्या हैं, बिकॉज कैन एनीवन ऑफ यू डिफाइन लाइब्रेरीज जो पाइथन में होती हैं, आप सबको इस चीज़ का आइडिया होगा कि लाइब्रेरीज क्या हैं। ओके मेरा एनाकोंडा विजिबल है, बताना चाहे मेरा एनाकोंडा विजिबल है यानी जी 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 आपकी स्क्रीन विजिबल है। ओके सब एक ओके, अब आप देखें मेरे पास एनाकोंडा के अंदर बहुत सारे फंक्शन, ये बहुत सारे लाइक सॉफ्टवेयर्स हैं या इसको आईडीई भी कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। इसमें से हमारे काम का जो है वो है जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो मैं इसको लॉन्च करता हूँ, ये थोड़ी देर में लॉन्च होगा, सही है, ये जैसे ही लॉन्च होगा तो ये क्रोम पे मेरे लिए टैब खुल जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए मेरे पास ये बहुत सारी आपको इस तरह की फाइल्स एंड फोल्डर्स आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है। अब ये मेरे सिस्टम में कहाँ पे लाए करता है, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ मेरा, अगर मैं दिस पीसी में जाऊँ यहाँ से आप लोग, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा गौर से देखें, 3D ऑब्जेक्ट्स एनाकोंडा कॉन्टेक्स्ट डॉक्यूमेंट डाउनलोड फेवरेट लिंक दिस 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 दिस, ठीक है, ये इतने सारे मेरे पास ऑप्शन हैं। अब यहाँ पर आप जाए गूगल का, यहाँ पर देखें ये बिल्कुल उसी सीक्वेंस पे, मतलब मेरा जो फोल्डर है वो, मतलब मेरे जो कंप्यूटर में वो यहाँ से। अब दोबारा मैं स्क्रीन को थोड़ा ज़ूम कर लें। अच्छा ज़ूम कर दूँ, ओके अब सही है, बेटर है कुछ जी, ठीक है, चलें ठीक है। यहाँ पर अब इसको भी यहाँ पर आप देखें ये उसी सीक्वेंस पे जा रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, मैं इसका नाम रखता हूँ, इस फोल्डर का मैं लिखा, इसका एक यूनिक नाम रखता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास अंडरस्कोर
सेवन, ठीक है, मैंने इसका नाम रख दिया क्लास सेवन। अब ये पहले इधर फोल्डर इस तरह का नहीं था, यहाँ पे क्लास सेवन मैंने नाम रखा। तो आप देखें जो गूगल का जो जुपिटर है वहां पर भी एक इस तरह का फोल्डर बन गया, मतलब आप यहां से फोल्डर बनाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा। अब मैं ऐसा करता हूँ, यहां पर एक फोल्डर बनाता हूं, मैंने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है, न्यू फोल्डर, इस तरह यहां से नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है? यहां पे मैं हमें एक मिनट लेस देन मिनट अगो, चले मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे ये हमेशा मैं यहाँ से बनाता हूँ फोल्डर को, अभी ये कोई इशू दे रहा है यहाँ पे, इसको मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, रुके, ठीक है, यहाँ पर हमेशा मैं जब भी क्लिक करता हूँ, हाँ ये नीचे बन रहे हैं, सॉरी, उस वक्त से यहाँ पे बन रहे हैं, मैं ऊपर देख रहा हूँ कि ये ऊपर आएंगे, ये यहाँ पर बना दिए, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए ये इतने बहुत जो अनटाइटल्ड 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 फोल्डर ये ढेर सारे आ गए ना, अब देखें ये यहाँ पर आए हुए होंगे, ये देखें यहाँ पर ये पहले नहीं थे फोल्डर, ठीक है, ये अब आ गए, यानी आप यहाँ पे बनाएंगे तो वहां पे बन जाएगा, वहां पे बनाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है, ओके। सो अब मैं इस फोल्डर को क्लिक करता हूँ, ठीक है, मैंने इस फोल्डर को क्लिक कर दिया, ये मेरे पास एक अनटाइटल फोल्डर है, मैं इसका नाम भी यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अभी मैं मेरा फिलहाल अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये यूज किस तरह करते हैं, ठीक है। मैंने पाइथन यहाँ पे, अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास तीन बटन है कुछ, यहाँ पे मैंने अपलोड करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं फिलहाल एक न्यू वो बनाना है, न्यू पाइथन नोटबुक बनाना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये थोड़ी देर में आ जाएगा, हाँ, ये मेरे पास जो है जुपिटर नोटबुक का एक पूरा इंटरफेस है, ठीक है। मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये फाइल का बटन है, ठीक है। मैंने अगर कोई न्यू नोटबुक बनानी है, मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूंगा, मेरे पास न्यू नोटबुक बन जाएगी। अगर मेरे पास मैंने पहले कोई सेव की हुई है और मैं उसको ओपन करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं इस पे ओपन पे क्लिक करूंगा, ये मुझे कहेगा, मुझसे पूछेगा कि तुमने कहाँ पे, अब मैंने एक पहले बनाई थी तो ये उसका आ गया, जो मैंने अभी बनाई है वो आ गया, ठीक है। तो मैंने अभी सिर्फ आपको बता रहा हूँ ये ओपन इसमें, फिर सेव एज करना है किसी को इसको रीनेम करना है, तो देखिए अब मैं इसको रीनेम करता हूँ, मैं कहता हूँ क्लास अंडरस्कोर सेवन, ठीक है, ये अब क्लास सेवन इस बन गया, ठीक है। रिवर्ट चेक पॉइंट, इसका आखिरी चेक पॉइंट क्या है, 949, इस वक्त 950 है, अभी मैंने सेव किया ना, तो ये आपका वो लास्ट चेक पॉइंट बताता है कि आपने कब इसको सेव किया, या फिर आप चाहते हैं कि मैंने अभी कोई काम सेव किया और 10 मिनट बाद मैंने कोई एडिटिंग की और मेरा कोड खराब हो गया, ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने पुराने सेव्ड कोड में चला जाऊं जो पहले मैंने सेव किया, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं अपने पुराने उस पर चले जाऊंगा। प्रिंट प्रीव्यू, अगर आपने प्रिंट किया ना, हाँ, अभी ये डाउनलोड एज वाला इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको बताऊंगा, ये इसमें चीजें, इसमें आप मुख्तलिफ आपके पास चीजें, आपने इसमें क्या करना होगा, ये मेरे पास ऑप्शन इसको, हाँ, डाउनलोड एज पे आपने क्या करना है, HTML पे करना है, फिर हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे PDF में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं एडिट पे जाऊंगा तो कट सेल के लिए एक्सेल में सारे आपको यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये जब मैंने इस सेल के अंदर क्लिक किया ना और ये मेरे पास सेल ग्रीन हो गया, इसको कहते हैं एडिटिंग मोड। कौन सा मोड? एडिटिंग। अब मैं इसके अंदर एडिटिंग कर सकता हूँ, ठीक है, ये हमारे पास, अच्छा, और मैं आपको यहाँ पे हेल्प भी दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट्स में, ठीक है, यहाँ से आप बहुत सारे शॉर्टकट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एडिट मोड होता है, यहाँ पे जब ये ग्रीन हो जाता है, और जब मैं सेल के बाहर क्लिक करता हूँ तो इसे कमांड मोड कहते हैं, यानी आप यहाँ पे कमांड देना चाहते। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ सपोज प्रिंट हेलो, ठीक है, मैंने इसको रन किया, ये मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आपको दिखाने के लिए मैं कुछ यहाँ पे चाह रहा हूँ, दोबारा लिखता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ऐसे मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैंने ये मेरे पास जो ग्रीन हुआ है कमांड मोड है, अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे जाता हूँ, और सॉरी ग्रीन हुआ हुआ एडिट मोड होता है और ब्लू हुआ हुआ कमांड मोड होता है। अब मैं यहाँ पर जाकर ए पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास एक सेल अबव क्रिएट हो जाता है, ठीक है, मतलब देखें पहले यहाँ पर कोई सेल नहीं था, अब यहाँ पर एक सेल आ गया। अब मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे जाकर इस पे जाकर बी पे क्लिक करता हूँ तो बिलो, मैंने दो मरतबा बी पे किया तो मेरे पास दो सेल्स आ गए, ठीक है। तो ये एडिट मोड में ये
कि अब मैं आपको इस तरह करता हूँ, यहाँ पे मैं इस सेल पे क्लिक करता हूँ और इस पे एक्स करता हूँ तो ये कट हो गया है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे कट सेल है, ये इस तरह कॉपी सेल है, पेस्ट सेल अबव, ये आप देख लें ये इस तरह की। अब मैं आपको मर्ज सेल अबव भी करवा सकता हूँ, दो सेल आपस में मिक्स हो जाते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ 1, 2, 3, ठीक है। मैंने इस पे क्लिक किया और मैं एडिट पे जाकर करता हूँ मर्ज सेल अबव, तो ये देखें पहले दो अलग अलग थे, ये एक बन गया, ठीक है। अब इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं लेकिन सारे इसमें कहाँ। अब ये टॉगल हेड बार क्या चीज है, मैं अब ये मेरे पास ये जो होती है ना इसको हेड बार बोलता है, मैं इसको मैं क्लिक करता हूँ ना तो ये मेरे पास हेड बार छुप गई है। मैं चाहता हूँ मुझे हेड बार ना नजर आए व्यू में, मैं कहता हूँ टूल बार, ये टूल बार है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ टॉगल, ये टूल बार भी छुप गई है। तो मैं अब इसको दोबारा, अब मैं कहता हूँ टॉगल लाइन नंबर, इसमें देखें लाइन नंबर भी आ गए, ठीक है। ये अलग ये व्यू ऑप्शन है कि आप किस तरह अपने जुपिटर नोटबुक को देखना चाहते हैं या उसको किस तरह यूज करना चाहते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू। इंसर्ट में ये मैं आपको बता चुका हूँ, ए से अबव होता है, बी से बिलो होता है, ठीक है। हाँ, कोई सेल को रन करना है तो उसका तरीका क्या है, मैं अभी यहां पर आपको दिखाता हूं। मैं लिखता हूं प्रिंट, लिख लेता हूं हेलो, लिख लेता हूं, ठीक हो गया। रन करने का सिर्फ इस सेल को रन करने का तरीका ये कि आपने पहले कंट्रोल को उंगली प्रेस करनी है फिर उसके बाद दोबारा इंटर दबाना है, तो ये देखें रन हो गया है, सही है। अब यहाँ पे देखें रन सेल एंड सेलेक्ट बिलो, अब ये क्या आप इसका क्या मतलब, इसका मतलब अब मैं यहाँ पे लिखना है शिफ्ट एंटर, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और एंटर पे जाना है, तो देखें क्या हुआ है, इसने ऊपर वाला रन कर दिया और नीचे वाले पे पहुंच गया, ठीक है, ये हुआ है यहाँ पे। रन ऑल, अगर आपने सारे रन करने, रन ऑल अबव मतलब अगर मैं इसको क्लिक करूं और यहाँ पे कहूँ रन ऑल अबव तो इससे ऊपर जितने वो हो जाएंगे, अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ कहता हूँ रन ऑल बिलो तो नीचे। अब आपके पास सेल टाइप में तीन टाइप्स है बेसिकली, हम इसमें ज्यादा दो ही यूज करेंगे, कोड एंड मार्कडाउन। कोड ये वाली है जो आपके सामने, और मैं इसको कहता हूँ भाई मेरे, इसको मैं इसको क्लिक करके मैं इस पे देखें, मैं आपको एक और शॉर्टकट बताता हूँ, इस पे मैं एम करता हूँ तो अब ये मेरे पास मार्कडाउन हो गया, देखें पहले ये कोड था, अब मैं इसको दोबारा यहाँ से करता हूँ तो ये कोड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जुपिटर नोटबुक इस तरीके से, और कर्नल है, कर्नल अक्सर आप क्या होता है जब आप कोई जिस तरह मेरे पास उस दिन इन्फिनिट लूप चल पड़े थे तो वो फिर वो तो चलता ही रहेगा ना, तो आपने उसको रोकने के लिए इंटरप्ट कर देना है, ठीक है, इस तरह आपने करना है। अगर आपका कोई मसला हो गया रिकनेक्ट, आप शट डाउन करना चाहते हैं, मुख्तलिफ ऑप्शन हैं जब आपके कर्नल में कोई मसला है, या समटाइम्स ठीक ठाक भी होता है और वो डाई हो जाता है एकदम काम करने के दौरान, या फिर कोई बहुत हैवी प्रोग्राम आप चलाते हैं तो उसमें भी समटाइम्स ऐसा होता है कि वो लाइक फिर सही काम नहीं करता, तो उसके लिए भी आपको इंटरप्ट करना पड़ता है। ये विजिट्स हैं, ये भी ये इतने मतलब आपके लिए ये फंक्शंस बहुत हैं, मोर देन इनफ है सीखने के लिए। ये भाई आप खुद भी यहाँ पर आपके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट्स जो आप इस तरह देख रहे हैं, या आप यहाँ पे इसको एक मरतबा रीड कर लें, आपको ये सारा समझ आ जाएगा, ये आप और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स देख सकते हैं, ठीक है। तो ये था बेसिकली जुपिटर जो कि हम एनाकोंडा से यूज करते हैं उसका सारा रिव्यू। अब मैं आपको लेके जाता हूँ अब वीएस कोड के जुपिटर की तरफ, ठीक है। ये मैं जरा थोड़ा सा इसको स्मॉल साइज करूँगा क्योंकि फिर वो दिखाना थोड़ा मसला हो जाएगा, स्मॉल ही नहीं होगा, एक मिनट यहाँ पे क्लिक करके, हाँ अब सही होंगे, ठीक है। अब ये भी आपको तमाम वो ऑप्शंस देता है जो, और अब मैं देखें मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, ये इसके क्या है कमांड मोड हो गया, मैं इस पे ए पे क्लिक करूंगा तो एक सेल अबव बन गया, ठीक है। इस पे अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, और इस पे बी पे क्लिक करता हूँ तो एक वही कमांड्स यहाँ पे चल रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ और हैंडी आपको चीजें भी मिल रही है। मिसाल तौर पर मैं यहाँ पे इधर जाता हूँ तो मैं अपनी मर्जी से जहां दिल जाऊं इस तरह क्लिक करके मार्क डाउन और कमांड, मतलब ये ज्यादा जो वीएस कोड का जुपिटर कोड है ना, जो जुपिटर है ये ज्यादा हैंडी है एज कम्पेयर टू जुपिटर लैब है, ठीक है। ये आप कोई कहता है मुझे व्हाइट कलर पसंद है तो आप इसमें भी व्हाइट कर सकते हैं, ये आपकी पर्सनल प्रेफरेंस में भी है कि आप कौन सा करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन
इसमें मैं आपको एक रिकमेंडेशन देता हूँ कि आप चूंकि इसमें कुछ देखें कुछ फायदे भी है ना, मैं लिखता हूँ प्रिंट ना तो मेरे पास बहुत सारे देखें, मतलब आपने जो भी यूज करना है ना पूरी, मतलब जो भी फंक्शन यूज करना है ना उसका आपके पास, अब मैं लिखता हूँ देखें मैथ डॉट, ठीक है, तो मैथ के जितने भी फंक्शन है ना ये सब आपके पास आ गए, मतलब देखिए कितना हैंडी है, आपको हर चीज जो है आपको एक्सेस पे मिल रही है। इसके अलावा आप बहुत सारी चूंकि वीएस कोड जो है माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है तो उसके लिए दुनिया भर की जो जितनी भी एक्सटेंशन माइक्रोसॉफ्ट आपको दे रहा है वो आप यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये हो गया हमारा लाइक इसमें जो मैंने आपको वहां पे फीचर्स बताए वो भी, और उसके अलावा एक्स्ट्रा भी है इसमें। एक्स्ट्रा क्या है ये आपको देखिए वेरिएबल्स सारे बताए, मैं वेरिएबल पे क्लिक कर रहा हूँ एक मिनट, जितने वेरिएबल्स हैं या लिस्ट है जो भी है ना वो सब आपको देखे आपको इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे ला रहा है कि मेरे पास ये, अच्छा ये आई है, ये इंट है, ये इंडेक्स है, ये स्ट्रिंग टाइप है, ये लिस्ट है, ये लिस्ट टाइप है, ये है, ये ठीक है, ये आपको हर एक का वो बता रहा है, सही है। ये आपको बहुत इसमें आपको इन्फॉर्मेशन आउटलाइंस में, ये आपको और भी आउटलाइंस, असल में आउटलाइंस जो होती है ये आपके तब काम आती है ना जब आपने कोई ऐसी बहुत बड़ी नोटबुक बनाई हो उसमें आपने लिखा हो चैप्टर वन या चैप्टर टू चैप्टर थ्री, या आपने कोड अपने कोडिंग के स्टेप्स लिखे हो कि डेटा प्री प्रोसेसिंग आउटलायर रिमूवल, तो ये उसकी हेडिंग्स जो आपने मार्कडाउन में बनाई होती है उसकी एक आउटलाइन, जिस तरह बुक में नहीं होता टेबल ऑफ कॉन्टेंट, ये वो अलग काम करता है, ठीक है आपके लिए। और टॉगल ब्रेड क्रम्स क्या है, ये जो ऊपर आपके नजर आ रहा है इसको हटा देता है, ठीक, ये देखें ऊपर अब नहीं नजर आ रहा आपको ये, तो ये बेसिकली जो VS Code की जो Jupyter है ये बहुत हैंडी है। अच्छा अब मैं आपको एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने लगा हूँ कि मैंने असल में आप लोगों से Anaconda इंस्टॉल क्यों करवाया था, ठीक है, अब मैं आपको असल बात बताने लगा हूँ कि मैंने इंस्टॉल क्यों करवाया था। ये आपको नजर आ रहा ना Python 3, मैं अपनी स्क्रीन बड़ी करता हूँ कि किसी का अगर यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, ये मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, Python 3.10.8, ठीक है ये है ना आपके पास, ये आपका इंटरप्रेटर है। अब मैं इस पे क्लिक करता हूं ना तो मेरे पास ये क्या चीज लिखी हुई आ गई, ये बेस एनवायरनमेंट, ठीक है, और इस बेस में ऑटोमेटिकली 3.9.2, ये कहां से आया इसमें लिखा हुआ भी है Conda ENV, जो आपने Anaconda इंस्टॉल किया ये वहां से आया हुआ है, समझ आ गई है ना आप लोगों को, ये वहां से आया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको Anaconda सिर्फ इस एनवायरनमेंट की खातिर डलवाया, क्यों, क्योंकि इसका ये फायदा है कि इसके अंदर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जितने भी आपको लाइब्रेरीज चाहिए होंगी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी pip install this, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपने लाइब्रेरी का नाम लिखना है जिस तरह इम्पोर्ट मैथ या कुछ। अब मैं आपके सामने एक एक एक्सपेरिमेंट भी कर रहा था, हो चले मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट सीबॉर्न एज SNS, ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, देखते हैं मेरे पास, ये मैं आपको दिखाता हूँ क्या आता है, ये कह रहा है कि मेरे पास तो भाई मॉड्यूल ही नहीं है तो क्या मसला होगा, हमें अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब मैं ये काम इस बेस पे करता हूँ, अब ये Anaconda वाला आ गया, अब देखें इस पे अब ये Anaconda वाला चला रहा है पाइथन, अब देखें ये क्या करेगा, थोड़ा सा एक मिनट, ये अब रन हो रहा है, देखें ये गो टू देख रहे हैं ना, ये इसका मतलब है ये रन हो रहा है, ये थोड़ी देर में लेगा क्योंकि मैंने अपना कंपाइलर चेंज किया ना, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये मैं आप लोगों के लिए सिंपल वाला मैंने अपना सिस्टम खाली किया हुआ है, तो मतलब ये तो अब देखें ये अब रन होगा, फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ये थोड़ा ज्यादा लेता है, वैसे टाइम इतना नहीं लेता ये। इम्पोर्ट में कहता हूँ सीबॉन, अब देखें कोई एरर नहीं, मजेदार चल पड़ा है, ठीक है। तो ये जो Anaconda का जो बेस एनवायरमेंट है ना ये बहुत जबरदस्त है, इसमें आपके लिए तमाम लाइब्रेरीज वगैरह होती हैं, सब कुछ होता है, ठीक है ना, तो ये इसका असल मकसद है जो बेस एनवायरनमेंट है। तो लेकिन याद रखें कभी कभार क्या होता है आपका बेस एनवायरनमेंट जो होता है वो खराब हो जाता है डिपेंडेंसी की वजह से, फिर वो चलता ही नहीं है, ये मेरे साथ हुआ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो आपको मैनुअली भी ये काम आना चाहिए, बींग अ कोडर ये आपके लिए जरूरी है क्योंकि बेस एनवायरनमेंट में भी कुछ चीजें नहीं होती। मिसाल तौर पे मैं एक ऐसी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, NLP का एक काम कर रहा था तो उसके लिए मुझे सारी लाइब्रेरीज इसमें डालनी पड़ी हैं क्योंकि वो लाइब्रेरी इसमें थी नहीं। खैर वो काम मैंने तकरीबन कोई कह लें कोई शायद साल पहले किया था, अभी जो साल बाद आ चुके क्या पता वो भी इसमें ऐड हो गई हों, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं है कि तमाम लाइब्रेरी, तो आपको तमाम लाइब्रेरीज मैनुअली इंस्टॉल करनी आपको आनी चाहिए आपके सिस्टम में, ये हर प्रोग्रामर के लिए जरूरी है, ठीक है।
तो मेरे ख्याल में हमने बेसिक्स का भी पार्ट कर लिया और जुपिटर को भी अच्छे से देख लिया। अब तकी अदर आप लिसन कर सकते हैं। जी जी, अब हम यहाँ पर 10 मिनट की ब्रेक करते हैं, अभी 10:02 हो रहे हैं। इसके बाद ब्रेक के फौरन बाद जो है ना हम एनाकोंडा के बारे में देखेंगे कि एनाकोंडा क्या होता है और उससे जो है ना हम इन्वायरमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं और इन्वायरमेंट क्या होता है और आप जो लाइब्रेरीज हैं कितने तरीकों से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी ब्रेक है, आप जो है ना 10:02 पे ब्रेक स्टार्ट हुई है, अब हम जो है ना 10:12 पे जो है ना मिलेंगे। तो आप जो है ना घूम फिर के आए, तब तक जो है ना हम सेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, और मैं सवाल भी नहीं लूंगा क्योंकि फिर लोग मतलब ये है ना कि ब्रेक मींस ब्रेक। ओके ठीक है, तो ब्रेक है, जाए एंजॉय करें। अब्दुल रहीम आपकी जो है ना स्क्रीन शेयर हो रही है, आप इसको स्टॉप कर लें। मैं अभी शेयर करता हूँ। देखिए मैं मीटिंग रीओपन कर दूं, कुछ लोगों का नेट ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया था। जी जी करते हैं।
तो जी ब्रेक टाइम हमारा पूरा हो चुका है, तो अभी हम जो है ना एनाकोंडा की तरफ मूव करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, आपने विंडोज के अंदर जाके सर्च करना है एनाकोंडा प्रॉम्प्ट, तो आपके पास एनाकोंडा प्रॉम्प्ट आ जाएगा और जो है ना आपने ये प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने जो है ना एनाकोंडा सबने इंस्टॉल कर लिया, तो चैट में लिख दीजिएगा। जी तकरीबन लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, तो मैं मूव करता हूं अभी आगे। आपने क्या करना है कि अगर जो सबसे पहले जो बेस इन्वायरमेंट होता है ना, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट आप ऐसे समझ लें कि आपका एक घर है और घर के अंदर बहुत सारे कमरे हैं। अभी घर के अंदर हर कमरे के अंदर जो है ना आपका जो है ना डिफरेंट जो है ना उसका कोई फंक्शन होगा। जैसे आपका बेडरूम है, बेडरूम में आप सोते होंगे। किचन है, किचन के अंदर आप जो है ना खाना पकाते होंगे। टॉयलेट है, टॉयलेट का अलग काम है। तो इसी तरह जो है ना हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट होते हैं। हम चाहते हैं कि हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, उसके अंदर हमें पाइथन के डिफरेंट वर्जन की ज़रूरत है। जैसे फॉर सपोज हम कह लेते हैं कि हमें 3.7 पाइथन का वर्जन चाहिए और हमने जो उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल करनी है। अगर हम वही लाइब्रेरीज अपने बेस इन्वायरमेंट में करेंगे, जब आप एनाकोंडा बना रहे होते हैं कि इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो इसके अंदर जो पहले से ही प्री इंस्टॉल जो वर्जन आता है पाइथन का वो होता है 3.9 और उसके अंदर लाइब्रेरीज भी आती हैं। अभी आप जो लाइब्रेरीज हैं जो 3.9 के साथ कंपैटिबल हैं, अभी ज़रूरी नहीं है कि वो 3.7 वर्जन के साथ भी कंपैटिबल हो। तो इस चीज़ का लाइब्रेरीज का आपस में जो है ना कन्फ्लिक्ट ना हो, तो हम क्या करते हैं कि हम डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं अपने हर एक प्रोजेक्ट के लिए। फॉर सपोज के हम जो है ना एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम पे काम कर रहे हैं, हमें उसके अंदर पाइथन की 3.7 वर्जन की ज़रूरत है और उसके साथ जो है ना डिफरेंट जो है ना लाइब्रेरीज भी हैं। अभी हम नहीं चाहते कि जो लाइब्रेरीज जो 3.7 के साथ कंपैटिबल हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो 3.9 और 3.10 के साथ भी कंपैटिबल हो। तो इसलिए जो है ना हम डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं। जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं, मैंने पहले भी बता दिया कि जो है ना ये प्री इंस्टॉल्ड आता है बेस, जब आप एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं विद 3.9 वर्जन ऑफ पाइथन। तो अभी हम जो है ना इसके अंदर डिफरेंट इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। अभी एनाकोंडा की एक कमांड होती है, आप जैसे समझ लें कि आपका एक छोटा भाई होता है, आपने जो है ना उसको कोई नाम रखा होता है। अच्छा, नाम तो उसका कुछ और होगा, आप उसको जो है ना मजाक में या घर में कहते हैं कि एक जो है ना कॉमन नेम जिसको प्यार से बुलाते हैं, तो उस तरह एक नेम होगा। यहाँ पर भी एनाकोंडा का एक नेम है, हम उसे कहते हैं कोंडा। हम एनाकोंडा को कोंडा से पुकारते हैं, एनाकोंडा को पूछते हैं कि भाई ये जो है ना आप इंफॉर्मेशन दो, कोंडा इन्फो। अभी ये हमें जो है ना अपनी कोंडा की इंफॉर्मेशन देगा उस जो इन्वायरमेंट की, जिस इन्वायरमेंट के अंदर अभी हम हैं। अभी हम जो है ना बेस इन्वायरमेंट के अंदर हैं, तो ये हमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन देगा कि एक्टिव इन्वायरमेंट कौन सा है, उसकी जो है ना इन्वायरमेंट की लोकेशन किधर है ए से लेकर जेड तक, और उसके अंदर जी ए से लेकर जेड तक। अभी हम चाहते हैं कि हमारे जो सिस्टम के अंदर हैं कितने इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट जो है ना वो इंस्टॉल्ड है, हम वो चेक करना चाहते हैं। तो उसकी एक कमांड है, हम कोंडा को कहते हैं कोंडा इन्वायरमेंट की जो है ना हमें लिस्ट दो, जो भी इन्वायरमेंट हमारे पास इंस्टॉल है। तो एनाकोंडा क्या करेगा कि आप इनको बताओ कि ये विंडोज के कमांड प्रॉम्प्ट पे नहीं हो रहा, ये एनाकोंडा का कमांड प्रॉम्प्ट आपने खोला है, ये लोग समझ रहे हैं। जी, हाँ जी, आपने एनाकोंडा का कमांड प्रॉम्प्ट खोलना, आपने विंडो जहाँ पे विंडो का बटन होता है ना स्टार्ट स्टार्ट का, वहां पर जाके आपने सर्च कर लेना है कि एनाकोंडा प्रॉम्प्ट। विंडो का कमांड प्रॉम्प्ट अलग होता है और एनाकोंडा का अलग होता है। तो आपने एनाकोंडा पे जाना है। तो अभी हमने जो है ना इन्वायरमेंट चेक कर लिया कि हमारे पास कितने इन्वायरमेंट है। अभी हमारे पास दो इन्वायरमेंट है, एक है बेस इन्वायरमेंट जो जो कि हम एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो तब इंस्टॉल होता है। एक मैंने
बनाया हुआ है स्टीमलेट का एनवायरनमेंट, तो हम जो है ना एक और एनवायरनमेंट बनवाते हैं बनाते हैं, तो हम कोंडा को कहते हैं कोंडा एक एनवायरनमेंट कर क्रिएट करो हमारे लिए, कोंडा ENV, और हम उसे कहते हैं उसका जो नेम है वो हम उसे कहते हैं न्यू ENV, और उसको कहते हैं कि पाइथन का जो वर्जन है ना वो हमें चाहिए 3.7। तो ये हमारे लिए अभी एनाकोंडा जो है हमारी कमांड गलत है, तो मैं ऐसे कहता हूँ कोंडा कोंडा क्रिएट कोंडा क्रिएट ENV नेम, नेम हम उसे देते हैं न्यू ENV, और जो पाइथन का वर्जन है वो कहते हैं 3.7। फिर हमने मिस्टेक कर दी, क्योंकि पाइथन के बाद आपने जो है ना उसको इक्वल टू का साइन देना है ताकि उसे पता चले कि हमें 3.7 चाहिए। तो मैं से तकी ने एरो ऊपर वाली एरो कीवर्ड का प्रेस किया तो खुद ब खुद कॉपी हो गया, मतलब जी अभी भी ये देखें कि हमें कह रहा है कि जो आपकी जो आर्ग्यूमेंट है उसके अंदर मिस्टेक है, तो हम इसे दोबारा लिखने की कोशिश करते हैं कोंडा अपडेट तो नहीं हो गया कहीं नहीं होना तो नहीं चाहिए हाँ, मतलब कोई वो अच्छा, ठीक है कोंडा क्रिएट हम कहते हैं नेम, और जो नेम है हमारा न्यू ENV विद पाइथन इज इक्वल टू 3.7। जी ये बना रहा है, ये कह रहा है कि अ डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट एट द टारगेट लोकेशन, ये कह रहा है कि ये जो हम इन्वायरमेंट बना रहे हैं ऐसा पहले आप जो है ना इन्वायरमेंट पहले बना हुआ है, तो ये पूछ रहा है कि आप इसको जो है ना कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैं वाई का वाई लिखता हूँ, वाई का मतलब है कि यस, एन का मतलब है नो, तो मैं इंटर प्रेस करता हूँ तो ये जो है ना इन्वायरमेंट हमारे लिए क्रिएट करेगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इसने एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, एनवायरनमेंट क्रिएट करने के साथ ही इसने जो ये पैकेजेस हैं एनवायरनमेंट के साथ जो आते हैं वो भी इसने इंस्टॉल कर लिए हैं, और ये एक न्यू पैकेजेस हैं वो उसकी भी हमसे परमिशन ले रहा है कि आप ये नए नए पैकेजेस हैं और ये इसके जो वर्जन हैं उसके साथ क्या ये भी आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ कि हाँ मुझे ये भी इंस्टॉल करने हैं, तो मैं इसे प्रेस करता हूँ वाई, तो ये जो है ना हमारे पास पैकेजेस को इंस्टॉल करने शुरू हो जाएगा। ये जो पैकेजेस इंस्टॉल होते हैं ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट की स्पीड पे, अगर तो आपकी स्पीड हाई है तो ये जल्दी हो जाएंगे। तक तक ही क्वेश्चंस ना ले लें यानी एंड पे लें, नहीं क्वेश्चंस जो है ना एंड पे लेंगे, तो यहाँ पर जो है ना क्रिएट करने में आपको टाइम लग सकता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं है तो आपको वेट करना पड़ेगा। मीनवाइल मैं आपको बता दूं जो जब आप एनाकोंडा के बेस एनाकोंडा इंस्टॉल करते हैं तो एनाकोंडा के अंदर जो बेस एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर कुछ लाइब्रेरीज जो है ना 150 प्लस लाइब्रेरीज इंस्टॉल होती हैं, तो अभी हमारा जो है ना एनाकोंडा एनवायरनमेंट है वो क्रिएट हो चुका है। उसके बाद वो ये भी बता रहा है कि अगर आपने इस एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है तो उसकी भी कमांड बता रहा है, तो हम कहते हैं कि जो हमने एक्टिवेट कर रहा है एक्टिवेट, तो हम कहते हैं कि हमने जो अपना नया एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट करना है, तो हम कहते हैं कि कोंडा एक्टिवेट करो जो हमारा न्यू एनवायरनमेंट है न्यू ENV। तो ये आप यहाँ पे देखेंगे कि ये डायरेक्टरी जो है ना पहले से चेंज हो गई है, इसके जो पीछे यहाँ पे बेस था और यहाँ पे ENV है न्यू ENV। तो अभी हम जो है ना लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करते हैं,
अभी आपने जो है ना पिप को यूज नहीं करना, पिप और कोंडा में क्या फर्क है कि पिप जो होता है ना कि सिर्फ पाइथन के जो पैकेजेस है ना उन्हीं को इंस्टॉल करता है, लेकिन जो कोंडा होता है ना वो पाइथन के पैकेजेस को ही को तो इंस्टॉल करता है, उसके अलावा जो पैकेजेस किसी और लैंग्वेज में लिखे हुए हैं जैसे सी में, सी प्लस प्लस में, जावास्क्रिप्ट में, डिफरेंट लैंग्वेजेस में, उसको भी इंस्टॉल करता है। और जो उसके जो सोर्सेज होते हैं जहाँ से वो इंस्टॉल करता है वो तो एनाकोंडा की अपनी रेपोजिटरी भी होती है और एनाकोंडा का अपना क्लाउड भी होता है, लेकिन जो जो पिप होता है जो पाइथन के पैकेजेस को सिर्फ इंस्टॉल करता है वो पाइथन पैकेजेस इंडेक्स की एक वेबसाइट है, सिर्फ वहीं से जो है ना उसको इंस्टॉल करता है, उसके अलावा पाइथन के अलावा जो डिफरेंट पैकेजेस हैं जो किसी और लैंग्वेज में है वो इंस्टॉल नहीं करता। तो आपने जो है ना कोंडा को यूज करना है, तो मैं कहता हूँ कोंडा, हम जो है ना नंपाई एक लाइब्रेरी है हम उसे इंस्टॉल कर देते हैं, कोंडा इंस्टॉल नंपाई। तो ये इंस्टॉलेशन हमारी शुरू हो गई है। अभी इसके अंदर जो है ना पैकेजेस के साथ अगर हम जी एक मिनट, हुज़ैफा का क्वेश्चन है मेरे ख्याल से कोई, हुज़ैफा प्लीज आप बोलें क्वेश्चन अपना। I have question, how to do this on Mac? Mac के ऊपर Anaconda prompt की बजाय अगर आप Minikonda install कर लेंगे ना तो उसको Minikonda के साथ भी आप open कर सकते हैं। Minikonda का command prompt होता है या shell zsh shell करना पड़ता है, और otherwise you can also have your own terminal control command shift T के साथ terminal मेरे ख्याल से open हो जाता है, या आप search bar में जाके terminal लिखेंगे वहाँ पे terminal आ जाएगा, उसको CMD command prompt बोलते हैं, उसको terminal बोलते हैं Mac के अंदर, तो वहाँ पे वो आ जाएगा, ठीक है, उसके अंदर ये कर सकते हैं। requirements की समझ आ रही है या कुछ थोड़ी बहुत confusion है किसी को? Chat में आप लिख सकते हैं, then I will be trying to cover this thing. मैंने चैट इनेबल कर दिया। जी तरीम अली कह रही है कि हम ये काम क्यों कर रहे हैं, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि मैंने आपको पहले ही स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि जब हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं कि हमें पाइथन के डिफरेंट वर्जन की जरूरत होती है और डिफरेंट लाइब्रेरीज की जो कि उस वर्जन के साथ ही कंपेटेबल होती हैं, और आप ये नहीं चाहोगे कि जो आपका जो क्या कहते हैं स्टैंडर्ड वर्जन है 3.10 जो अभी चल रहा है उसके साथ उसकी लाइब्रेरीज के साथ जो है ना कॉन्फ्लिक्ट हो या कोई इंस्टॉलेशन के दौरान कोई मसला हो, तो हम क्या करते हैं कि एक डिफरेंट इन्वायरमेंट कर क्रिएट कर लेते हैं और उसी के अंदर अपना काम करते हैं। मैं इसकी मिसाल कुछ ऐसा दूंगा कि इन्वायरमेंट जो होते हैं ना बेसिकली आपके कमरे होते हैं, ठीक है, अब किचन का सामान किचन में रखा जाता है, ठीक है, आप ये नहीं करेंगे कि जो टॉयलेटरीज होती हैं, मतलब टॉयलेटरीज से मुराद शैम्पू हो गया आपका, साबुन हो गया, वो किचन के अंदर थोड़ी ना रखा जाता है, ठीक है, उनको वहीं पे रखा जाएगा जहाँ पे वो यूज ना, तो वो वॉशरूम के अंदर रखा जाता है, बाथरूम के अंदर रखा जाता है, और इसी तरह जो बेडरूम होता है हमारा वहाँ पे बेड से रिलेटेड चीजें होते हैं, जो ऑफिस होता है ऑफिस में ऑफिस की एक्सेसरीज होती है, तो इन्वायरमेंट से मुराद ये होता है कि आपने जहाँ की चीज है वहां पे समा के रखते हैं। एक छोटी सी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि अब मैं डिफरेंट यहाँ पे क्यों क्रिएट करता हूँ, हमें क्यों जरूरत, जब भी हम कोई डिफरेंट पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं ना वो एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, बच्चों की तरह, छोटा बच्चा बड़े बच्चे के साथ लड़ना स्टार्ट कर देता है, बड़ा बच्चा छोटे के साथ, कि तुम पुराने हो मैं नया हूँ, मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मेरी इज्जत नहीं करते, वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, ये मेरी चीज है, ठीक है, वो देख के नीचे ना वो इंटर रखी होती किसी के घर के सामने से उठा ला है ना, पुरानी बात है कि उसको ना बुलाया हो ना शादी पे या किसी वलीमे पे तो उसकी चार इंटे वो लेने आ जाता है कि मेरी चार इंटे तो दे,
तो इस तरीके से ना काफी ज्यादा चीजें जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करने स्टार्ट कर देती है। लड़ाइयां खत्म करो, तो एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहने वाले उन सभी को एक एनवायरनमेंट में डाल दो ताकि वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करें। क्यों और किस लाइब्रेरीज आपने होपफुली पढ़े होंगे या फंक्शंस आपने पढ़े होंगे या आपने वीडियोस देखी होंगी कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी ऑलरेडी मेड फंक्शन होता है, जैसे नमपाई है, पांडास है, इस तरह की लाइब्रेरीज आपने सुनी होंगी। लाइब्रेरीज का मतलब है किसी बंदे ने कोड बना के एक जगह पे कंपाइल करके रख दिया, ले लो पकड़ो यूज करो, ठीक है। उसने क्या किया, आपको एक पैकेज दे दिया कि ये पकड़े और इसे इस्तेमाल करें जब आपको जरूरत पड़े, ठीक हो गया। अब होता क्या है कि वो लाइब्रेरीज जो होती हैं वो एक दूसरे के वर्जन पे भी डिपेंड करती हैं, वो पाइथन के वर्जनिंग पे भी डिपेंड करती है। पाइथन हमेशा अपडेट होता आया, पहले पाइथन 2.0 था, फिर 3.0 आया, फिर 3.0 के आगे वर्जन चलते रहे, 3.1.2 something 10, अब 10 वाला चल रहा है। तो अक्सर लाइब्रेरीज हर वर्जन के साथ कंपेटेबल होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम जब एक मेन एनवायरनमेंट के अंदर सारे के सारे पैकेजेस इंस्टॉल करते रहते हैं ना विदाउट मेकिंग एनवायरनमेंट्स, तो क्या होता है, एक ही कमरे में चाची का सारी औलाद भी लेटी होती है, मौसी की औलाद भी लेटी हुई है, ठीक है। तो जितने भी शादी पे मेहमान हैं सारे के सारे एक कमरे में लेट गए, तो रात को किसी का ख्वाब किसी को आ रहा होता है, ठीक है, समझ रहे ना वो बात। तो ये एनवायरनमेंट में आपस में एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल कर जाते हैं, और अक्सर जब वो पैकेजेस आपस में काम ना करते तो फिर किसी काम के नहीं होते, ठीक है। वो वही बात है ना कि कजन बाहर से आए हो ना, तो वो जो जिस कजन के घर आए होते हैं उस बेचारे की छुट्टी करवा देते कि जा यार आज तुमने काम पे क्या करने जाना, छुट्टी करो, हम हमारे साथ घूमने चलते हैं। तो अगर वो 4 से 5 दिन रहे ना तो घर वाले नाराज हो जाते हैं। द सेम एनालॉजी अप्लाइज हियर, एनवायरमेंट जब एक जैसा हो जाता है ना, एक जैसी चीजें उसके अंदर होती हैं, तो दैट वर्क्स बेटर देन हैविंग डिफरेंट अदर पैकेजेस इन अदर एनवायरमेंट। फॉर एग्जांपल स्ट्रीमलिट के नाम में आपने सुना होगा, नहीं भी सुना तो मैं आपको बता देता हूँ कि डेटा साइंस की जो एप्स होती है ना, लाइक गूगल मैप जैसे चल रहा है गूगल मैप्स, ठीक है। अभी बताते हैं जनाब आपको कमांड, मेरी बातें सुन रहे हैं तो सही भाई, मैं यकीन माने आपको मिसाल ना बड़ी सोच समझ के दे रहा हूँ, मेरी बातें सुन लें, आपको समझ आ जाएगी, फिर इंशाल्लाह कमांड आपको सारी की सारी उठा के दे देंगे आपको। एक मैं गूगल पे दूंगा कमांड, आपको सारी की सारी मिल जाएगी एनाकोंडा की, ठीक है। तो वो मसला नहीं है, समझने का मसला है। अब एनवायरनमेंट बनाते वक्त स्ट्रीमलेट जो होती है ना, स्ट्रीमलेट एक ऐप है, STREAMLIT, स्ट्रीमलेट, मैं यहाँ पे उसके स्पेलिंग भी लिख देता हूँ। ये एक लाइब्रेरी है, कहने ये लाइब्रेरी के लिए डिफरेंट डिपेंडेंसीज है, मतलब ये लाइब्रेरी तब काम करती है जब डिफरेंट अदर लाइब्रेरीज इंस्टॉल हों, ये उन पर डिपेंड करती है। तो इस वजह से जब भी स्ट्रीमलेट काम किया जाता है इसको सेपरेट एनवायरनमेंट में बना, ठीक है, एक कमरा इनको दे दिया, पकड़ो ये तुम्हारी फैमिली के लिए, ठीक है, यहीं पे रोज जितने दिन शादी चल रही है। सो यू कैन से दैट इनका एनवायरनमेंट बना दिया, वो एनवायरनमेंट के अंदर सारे स्ट्रीमलेट का काम है। अब अगर मैंने काम करना है डेटा विजुअलाइजेशन के ऊपर, तो मेरे मुझे चाहिए लाइब्रेरी लाइक मैटप्लॉटलिब, मुझे चाहिए सीबॉन, मुझे चाहिए पैंडास, मुझे चाहिए नमपाई, मुझे टेंसरफ्लो भी चाहिए होगी अक्सर औकात। मैं क्या करूंगा, उनका एक नया एनवायरनमेंट बना के चाबी उन्हें दे दूंगा, ये पकड़ो ये रूम तुम लोगों का हुआ। तो इसी तरह एनवायरनमेंट्स का काम होता है, ना बनाए कोई मसला नहीं है, बट व्हेन यू आर वर्किंग ऑन समथिंग वेरी बिग यू हैव टू मेक दीज एनवायरनमेंट्स। कैसे, आप ऐसे घर के डेटा को इकट्ठा करके तो एनालाइज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट नहीं ना बने या बनने जा रहे हैं। क्या आपने सिर्फ घर की लिस्ट बनानी है कि आज हमने महंगा सौदा ले लिया और कल को सस्ता, आपने तो बड़े बड़े डेटा सेट्स पे काम करना है ना, तो आपको एनवायरनमेंट्स का पता नहीं, आपको बताया कि कोंडा क्रिएट एनवायरनमेंट। और फिर आ जाता है जब किसी रूम के अंदर जाके कोई चीज रखनी है तो दरवाजा खोले बगैर बंदा जा सकता है, नहीं ना जा सकता, या तो आपने चोरी जाना हो तो विंडो के रास्ते जा सकते हैं, लेकिन कुछ से ना कुछ तो ओपन करके जाना है ना। कि रूम का मतलब क्या है कि टोटली 4 दीवारी बंद है और उसके अंदर एंटर होना है, उसको चाबी को खोलने को हम बोलते हैं एक्टिवेट करना एनवायरनमेंट को। पहले बना लिया कमरा मिस्त्रियों ने, ठीक है, उसके अंदर जो जो चीजें उसको रखने से पहले उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। या दूसरा तरीका क्या होता है कि अंदर सामान रख के इर्द गिर्द 4 दीवारी होते हैं, वो भी एक तरीका होता है ना। अक्सर का ऐसा भी होता है कि अंदर सामान सारा पड़ा होता है, इर्द गिर्द 4 दीवारी फिर आप काम करते हैं। तो एनवायरमेंट का यही मकसद है, ठीक है, अब लॉन्ग टर्म आपके लिए फायदा मंद रहती है। समझ आ गई एनवायरमेंट्स की कैसे बनने हैं। आप यही समझे जब हम कहेंगे कोंडा, कोंडा हमारा एक मजदूर है, कोंडे बात सुन, ठीक है, कोंडे ये एनवायरमेंट बना दे,
ठीक है, कोंडे का कोंडा ही रहना देना है, ठीक है, इसको कराची वाली जुबान के अंदर नहीं आपने लेके आना, समझ रहे ना बात। तो आपने कोंडा ये एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो, एनवायरनमेंट का मतलब है कमरा बना दो। अब आपने ये माइंड में रखना है, फिर आपने कहना है कोंडा इस एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करो, मतलब खोलो, फिर आपने बताना ये पकड़ो यार, यदि इसमें लाकर रखो, ये लाइब्रेरी भी इसमें रखो, ये लाइब्रेरी भी इसमें रखो, ये लाइब्रेरी भी इसमें रखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने वो लाइब्रेरीज अंदर रख दी, एट द एंड आपने क्या करना है, सिंपली जब कभी आपको जरूरत पड़ी, आपको याद तो होगा ना घर में कितने कमरे हैं, मैक्सिमम कितने बनाएंगे, 5 बना लेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं ना। तो आप क्या करेंगे, अच्छा यार स्ट्रीमलेट पे काम करना है, वो उस कमरे में मेरा सामान पड़ा हुआ है, गो एक्टिवेट दैट, स्टार्ट यूजिंग इट, दैट्स द थ्योरी बिहाइंड एनवायरनमेंट्स, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। अब अगर आपको एनवायरनमेंट की समझ आ गई है तो आप मुझे बता सकते हैं, अगर नहीं आई आई कैन स्टिल एक्सप्लेन दैट। और एनवायरनमेंट पाइथन के अंदर भी बन जाते हैं, बट इफ यू वर्क इन एनाकोंडा या मिनी कोंडा। अब आपको एक और मिसाल मैं यहाँ पे देने लगा हूँ, ताकि मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, यहाँ पे आपको ये स्क्रीन नजर आ रही होगी, इसके अंदर मैंने मिनी कोंडा की एक फाइल ओपन की हुई है, अगर आप गौर से देखें तो आपको जरूरी नहीं है आपने पूरे का पूरा एनाकोंडा इंस्टॉल करना है, आप मिनी कोंडा इंस्टॉल करके ना सिर्फ कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हैं, यहां से मिनी कोंडा इंस्टॉल, ठीक हो गया। हमारे भाई अपनी वीडियो बंद कर लें, आपकी आवाज बहुत कट रही है। आप ठीक है, ये तो पता चलेगा बाद में, चले ठीक है। अब यहाँ पे आप चेक करें कि आप इस वेबसाइट पे जाके और ये इस तरीके से आप मिनी कोंडा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं अपनी स्क्रीन यहाँ से स्टॉप करता हूँ क्योंकि मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट खोला हुआ है अपने पास, इसको मैं बंद करता हूँ एंड आई गो टुवर्ड्स अनदर थिंग जो मैं आपको दिखाता हूँ। सर मैं पार्टिसिपेंट्स की वीडियो ऑफ कर दूं? नहीं नहीं नहीं, मैं आपको बताता हूँ, आप ठीक हो जाएगा काम। अब आ रही है आवाज ठीक? अभी तक तो ठीक आ रही है, होपफुली अब ठीक ही होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ये आपके सामने मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? जी आ रही है। ठीक है, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास कर्नल इतने ज्यादा क्यों बने हुए थे, ये याद है आपको ये चीज? इसके अंदर आप अगर चेक करें तो एनवायरनमेंट के बाद कोई एचपी का मैंने बनाया है, कोई मैंने स्ट्रीमलेट का बनाया हुआ है, कोई मैंने पाइथन का बनाया हुआ, किस चीज का बनाया, किसी पे मेरे पास 3.10 पॉइंट समथिंग पड़ा, किसी पे पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये कोंडा के एनवायरनमेंट से ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब अगर आप मिनी कोंडा इंस्टॉल कर लेते हैं ना, आप सिंपली यहाँ पे टर्मिनल में जाके भी उसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास है, बेस का मतलब है कि कोंडा मेरे पास टर्मिनल ओपन किया अपना, टर्मिनल के अंदर आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिखता हूँ कोंडा env list, तो ये मेरे पास इतने एनवायरमेंट्स ऑलरेडी बने हुए, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास इतने एनवायरमेंट्स बने हुए हैं ऑलरेडी, मैंने यहाँ पे कोंडा एनवायरमेंट लिस्ट लिखा, ठीक हो गया। अब हमारे भाई बहुत खराब हो रही है आवाज और वीडियो दोनों, एक मिनट। और सी किसी ने वाईफाई बंद किया और मेरे मोबाइल का नेट चल रहा है, एक मिनट मुझे दें प्लीज। तकी और अब्दुल्लाह, तब तक आप कंटिन्यू करें, मैं अभी शेयर करता हूँ, मैं जरा वाईफाई चेक कर लूँ एक बार।
तो हमने जो है ना नंपाई इंस्टॉल की थी, तो नंपाई मैंने इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल करने के बाद हम कहते हैं कि हमारा जो है ना उस एनवायरनमेंट के अंदर काम पूरा हो गया। हमने एनवायरनमेंट को जो है ना काम पूरा होने के बाद हम उसे क्या कहते हैं, कोंडा डीएक्टिवेट। हम उस एनवायरनमेंट को डीएक्टिवेट करके जो हमारा जो बेस एनवायरनमेंट है हम उसके अंदर आ जाते हैं। अभी हम कहते हैं कि हमारा काम खत्म हो गया, हम इस जो एनवायरनमेंट है ना उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, हम कोंडा को कहेंगे कोंडा ENV रिमूव करो, उसका एनवायरनमेंट का नेम देंगे, नेम था उसका न्यू ENV। तो ये उस एनवायरनमेंट को जो है ना रिमूव कर देगा, उस एनवायरनमेंट को कम्प्लीटली रिमूव करेगा, उसके अंदर जो पैकेजेस होंगे हर चीज को रिमूव कर देगा। तो ये देख सकते हैं, अभी हम देखना चाहते हैं कि ये हम कोंडा को कहते हैं हमें एनवायरनमेंट की लिस्ट दो, क्या ये एनवायरनमेंट सच में डिलीट हो गया, तो हम इससे लिस्ट मंगवा लेते हैं, उसको कहते हैं कि अभी हमें लिस्ट प्रोवाइड कर देगा। ये देखें अभी हमारे पास जो है ना सिर्फ दो एनवायरनमेंट है, जो न्यू एनवायरनमेंट हमने बनाया था वो रिमूव हो गया। तो अभी हम जो है ना लाइब्रेरीज की तरफ एक काम है यार, जरा अगर आप स्टार्टिंग कमांड्स को थोड़ा सा रिपीट करा दो ना, क्योंकि लोगों को बहुत मसला हो रहा है समझने में। ठीक ठीक, सबसे पहले तो आपने जो है ना, अगर आपने जो एनवायरनमेंट है उसकी इंफॉर्मेशन लेनी है तो आपने लिखना है कोंडा इन्फो। आप कोंडा इन्फो लिखेंगे तो जिस एनवायरनमेंट के अंदर आप करंटली होंगे उस एनवायरनमेंट की सारी डिटेल आपको बता देगा कि आपका पाइथन का वर्जन क्या है, आपका कोंडा का वर्जन क्या है, कोंडा बिल्ड वर्जन क्या है, किस किस डायरेक्टरी के अंदर, किस फोल्डर के अंदर ये आपका जो एनवायरनमेंट है वो पड़ा हुआ है, तो ये आपको सारी इंफॉर्मेशन दे देगा। अभी हम चाहते हैं कि कोंडा को अपडेट करें, कोंडा अपडेट कोंडा, तो ये कोंडा जो है ना कोंडा को ही अपडेट कर देगा। ये मेरे पास इंटरनेट इशू स्पीड की वजह से इतना सारा टाइम ले रहा है। और ये जो सारा जो डेटा आप देख रहे हैं कलेक्टिंग पैकेज मेटा डेटा, ये ऑनलाइन इंटरनेट के बगैर ये नहीं चलेगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी होगी। और ये जो डेटा ले रहा है ये एनाकोंडा की अपनी रिपोजिटरीज है जहाँ पे इनके कोड लिखे हुए हैं, जहाँ पे वो इस कोंडा को अपडेट करते रहते हैं, तो ये वहां से ये जो है ना चीजें ले रहा है, तो इसके अंदर टाइम लग सकता है। अच्छा, मोहम्मद आसिफ कह रहे हैं कोंडो इज नॉट रिकग्नाइज, सॉरी मैंने कोंडा कहा है, कोंडो नहीं कहा। इसके अलावा अगर जो लाइब्रेरीज की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कोंडा जो है ना अपडेट हो गया। अगर आप लाइब्रेरीज को जो इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप यहां से भी इंस्टॉल कर सकते हैं, आप जो है ना VS कोड के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी मैं VS कोड की तरफ चलता हूं। VS कोड के अंदर सबसे पहले जो ये आपको ऊपर जो लाइन नजर आ रही है इसके अंदर जो है ना हमारे सारे बटन जो कह सकते हैं, इसके अंदर आप जो है ना हमारे सारे ऑप्शंस होती हैं, सिलेक्शन होती है। तो मैं यहाँ पे टर्मिनल में जाता हूँ और न्यू टर्मिनल को सिलेक्ट करता हूँ। न्यू टर्मिनल को सिलेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे हमारे पास पहले से ये कमांड प्रॉम्प्ट खुला हुआ था, तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। और इसके अंदर आपने आप यहां से भी जो है ना इसको टर्मिनल को ओपन कर सकते हैं। तो यहां से मैं टर्मिनल में जाता हूं
और टर्मिनल में जाने के बाद यहाँ पे प्लस के आइकन के साथ ये जो डाउनवर्ड एरो है इसको मैं क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लेता हूँ। तो मेरा जो है ना ये कमांड प्रॉम्प्ट VS कोड के अंदर ही ओपन हो गया। तो अगर मैं यहाँ पर इसको कहूँ के pip install, अभी मैं pip यहाँ पे क्यों यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरा जो इन्वायरमेंट है यहाँ पे 3. अगर मैं आपको दिखा सकूँ यहाँ पे शो नहीं करेगा, मुझे पहले कोड को किसी को रन करना पड़ेगा। तो मैं इसको जो है अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा जो पाइथन का वर्जन है वो 3.10.7 है। तो अगर आप यहाँ से भी जो है ना उसको अपने एनवायरनमेंट को क्रिएट कर सकते हैं, पर बेटर ये है कि आप जो है ना एनाकोंडा प्रॉम्प्ट से ही करें। तो आप यहाँ से भी जो है ना लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कि pip install numpy, pip install दो मरतबा, ओ सॉरी। तो ये आपको जो है ना टाइपिंग के दौरान आपसे ये ज़ूम इन करें, अच्छा बाय द वे आई एम बैक विद माय इंटरनेट, वाईफाई का पता नहीं किसने बटन उठाया हुआ था, मैंने कहा मेरा नेट नहीं चल रहा, मोबाइल के साथ ऑलरेडी कनेक्ट था तो इस वजह से चल रहा था, सॉरी फॉर दैट। ठीक, अच्छा तो मेरे पास जो है ना numpy इंस्टॉल थी, तो ये इंस्टॉल आपको यहाँ पे ये दिखाएगा कि रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड। अब आप चाहते हैं कि आपने जो है ना बहुत सारी जो लाइब्रेरीज है इंस्टॉल की हुई हैं, तो आप एक कमांड है, आप चाहते हैं कि आप वो कमांड लिखें और उससे सारी की सारी जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल हो जाएं। तो मैं आपको वो यहाँ पर शो कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे अभी आप अगर पेड ग्रुप को अपना देखेंगे तो उसके अंदर मैंने आपको रिसेंटली अभी मतलब 2-3 मिनट पहले एक पूरी चीट शीट भेजी है कोंडा की, जिनको राइटअप से प्रॉब्लम है कि कौन सी कमांड कहाँ पे लगनी है, वो पूरी शीट के अंदर सारा कुछ डिटेल के अंदर हमने बताया हुआ है। ठीक है, सो यू कैन हैव अ लुक ऑन दैट चीट शीट और उसको आप यूज करके फर्दर अपने लिए मतलब इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोंडा एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, कब बनाना है, उसके लिए कमांड पोस्ट किया है, एनवायरनमेंट कौन से पीडीएफ के अंदर भी है और उसका लाइव लिंक भी दिया है। ये चीट शीट मैंने नहीं बनाई, ये ऑलरेडी कोंडा चीट शीट या डिफरेंट लाइब्रेरीज जो आपको मिलेंगी वहां से आप देख सकते हैं। तो उसका फंक्शन भी बताया, अगर आप पूछेंगे क्रिएट करने की कमांड क्या है वो ऑलरेडी वहां पर लिखी हुई है। अगर आप ये पूछेंगे कि हमें क्रिएट करने के बाद आगे किन चीजों का ख्याल रखना पड़ना है, वो भी सारी चीजें वहां पर लिखी हुई है। सो यू जस्ट नीड टू बी रियली केयरफुल व्हेन यू आर यूजिंग दिस कोंडा एनवायरनमेंट्स, क्योंकि अगर आप एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं विदाउट एनी थिंकिंग प्रोसेस तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक हो गया, अब कोंडा के ऊपर हम अब क्यों बात कर रहे हैं, पिछले चिल्ले के अंदर हमने बड़ी डिलेड जाके एंड पे बात की थी, उसकी कुछ रीजन है। वो रीजन ये है कि हम आपको शुरू से ट्रेन कर रहे हैं बिग डेटा सेट के लिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, एक मिनट। नहीं, हमारे भाई अब आ रही है, बोल नहीं रहे थे। जी जी अभी आ रही। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों को ट्रेन कर रहे हैं बिग डेटा के लिए, बिग डेटा के लिए। तो उससे क्या होता है कि यार प्रॉब्लम ये होती है कि जब आपको बेसिक्स थोड़ी सी समझने में थोड़ी सी दुश्वारी हो रही हो ना, तो यकीन माने वो बेसिक्स अगर आप समझ लेते हैं तो आपको फ्यूचर में फायदा होने वाला है। एनवायरमेंट की आपको समझ आ गई, लाइब्रेरी इंस्टॉल करने की समझ आ गई, सारी ये चीजें समझ आ गई। लाइब्रेरी का मैंने आपको बताया, आप होपफुली अगर मुझे तकी और अब्दुलरहीम अगर आप मुझे रिपीट कर दें कि आपने फर्स्ट आवर में क्या पढ़ाया था तो दैट वुड बी ग्रेट, क्योंकि मैं उससे हिसाब से सारा कुछ लेके चल सकता हूँ। ताकि इशू यह है कि मैं आई वॉज ट्रैवलिंग और आपको पता है आज हुआ क्या है 2 बजे पाकिस्तानी टाइम पे, जिसकी वजह से मैं टाइम पे नहीं पहुँच सका।
तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन ऑफ कोर्स इसके पीछे प्रॉब्लम थी जो मैंने आपको पहले बताई। तो अगर आप मुझे थोड़ा सा रिपीट कर दें कि आपको जो मैंने टास्क दिए थे आपने क्या वो सारे पढ़ाए या सिर्फ जुपिटर नोटबुक ही पढ़ाई? सर हमने एक चीज एक्स्ट्रा भी किया, जिस वक्त मीटिंग स्टार्ट की है मैंने तो लोगों ने चैट में मुझे कहा कि लूप पढ़ाएं, तो मैंने पहले लूप पढ़ाया, फिर दोनों जुपिटर नोटबुक्स पढ़ाई है जो एनाकोंडा वाली है और जो वीएस कोड वाली है, दोनों का डिफरेंस बताया और बताया कि ये क्यों बेहतर है, और लाइब्रेरीज भी बताइए कि लाइब्रेरी क्या होती है और उससे हम फंक्शन किस तरह यूज करते हैं। फिर अभी आपने जो कहा था कि तकी जो है वो एनाकोंडा एनवायरनमेंट जो पढ़ाएगा, ये अब हम उस पे हैं। ठीक है, तो ये नादिर भाई का क्वेश्चन क्यों आया था कि पिप क्या है, अगर आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करना पहले बताई हुई। मैंने 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 बताया था पिप के बारे में भी बताया था, पिप और कोंडा के बारे में बताया था कि हमने कोंडा को क्यों तरजीह देनी है और पिप को क्यों तरजीह नहीं देनी, तो ये मैंने बताया था। ठीक है, खैर मेरे ख्याल से उन्होंने फिर लेट ज्वाइन किया। सो द थिंग इज, अभी मेरी बात सुनिएगा गौर से, जो मैंने आपको पहले अपनी स्क्रीन शेयर करके चीज दिखाई थी कि जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट पाइथन के एनवायरनमेंट्स आ रहे थे, दैट वाज बिकॉज मैंने अलहदा कमरे में अपने अपने पाइथन रखे थे। ठीक है, तो वो कमरे में से मेन पाइथन जो है ना वो आता रहता है आपके सामने, आप उससे यूज कर सकते कर्नल्स के अंदर। और लाइब्रेरी इंस्टॉल करते वक्त आपको हमेशा इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना जरूरी। ठीक हो गया, तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक ही बार जो है ना सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर दें, तो आपने जो है ना क्या लिखना है कि pip install pyforest pyforest, और ये जो है ना एक मिरर इमेज है, मिरर इमेज मतलब कि एक जो वेबसाइट है इन्होंने एक ही जगह पर सारी की सारी जो पैकेजेस हैं उनको रखा हुआ है, और इस वेबसाइट से हम डायरेक्टली जो है ना जितनी भी लाइब्रेरीज हैं एक ही बार में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कमांड भी आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। इसके साथ जो लिस्ट है ना तकी वो भी बता दें कि कौन कौन सी लाइब्रेरीज इसके अंदर इंस्टॉल होंगी। जी लाइब्रेरीज आप शुरू से ले लें, तो अगर मैं मेन मेन बता देता हूँ, मेन मेन के अलावा जब आप एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल होती है, सिर्फ वो लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं होती। जैसे कि आपने numpy के अंदर देखा, मैं यहाँ पे आपको दिखाता चलूं कि जब हम numpy इंस्टॉल कर रहे थे, numpy इंस्टॉल दो मैंने स्क्रीन शेयर नहीं की, जब हम numpy इंस्टॉल कर रहे थे तो वो इंस्टॉल करते वक्त ये लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल हो रही थी, जैसे कि ब्लास, इंटेल, ओपन एमपी, इस तरह की लाइब्रेरीज भी। तो इसके अंदर क्या होगा कि जब आप वो pip install pyforest करेंगे तो आपकी सारी लाइब्रेरीज मेन लाइब्रेरीज हैं वो भी इंस्टॉल होंगी, और उसके अलावा उन लाइब्रेरीज की जो डिपेंडेंसी है डिपेंडेंट लाइब्रेरीज हैं वो भी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो मैं मेन मेन लाइब्रेरीज बता देता हूँ जिसके अंदर पांडाज है, numpy है, सीबॉर्न है, स्ट्रीमलेट हो गई, उसके अलावा आपके पास जो मशीन लर्निंग की एक बड़ी फेमस लाइब्रेरी है scikit-learn, जी वो हो जाएगी, टेंसर फ्लो हो जाएगी, किराज लाइब्रेरी है वो हो जाएंगी, और बेताशा जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सब हो जाएंगी। टाइम कितना लगता है? चले मैं आपको ये यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ, यहाँ पे ये मैंने लिंक ऑलरेडी आपको पेस्ट कर दिया, आप थोड़े से एक्टिव होकर बैठा करें, उसमें क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। उसने pyforest बोला, आप में से कितने लोगों ने गूगल करके देखा ये pyforest क्या है? नहीं ना देखा, चले कोई नहीं, मैंने देख लिया साथ साथ में सुन भी रहा था। अनदर थिंग, शिंखुआ यूनिवर्सिटी है, पूरी चाइना की बहुत टॉप नॉच की यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये सारा कंपाइल किया हुआ है आपके लिए। शिंखुआ बोला जाता है उन्हें, चाइना में बैठे डॉक्टर शाहिद साहब को पता होगा कि शिंखुआ यूनिवर्सिटी एक नामी ग्रामी यूनिवर्सिटी, उन्होंने ये कंपाइलर किया है और वो जुगाड़ आपको ऑलरेडी दे दिया है। आप यकीन माने पाइथन के चिल्ला फर्स्ट में ये जुगाड़ हमने स्टार्ट में नहीं दिया, उसकी रीजन ये थी कि हम चाह रहे थे आप प्रैक्टिस करें, बट फॉर नाउ वी आर गिविंग यू इन द बिगिनिंग। क्यों? क्योंकि आप इंस्टॉलेशन के पीछे टाइम जाया ना करें, आप सिर्फ इसको एक दफा रन कर दें एंड दैट्स इट। इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम, बट एट द एंड आप इसको अच्छे तरीके से काफी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लेंगे। अब जो लोग शायद कंफ्यूज हो रहे हैं कि लाइब्रेरी लगाई हुई है इन्होंने, तो होपफुली उनको ये चीज समझ नहीं आ रही। मुझे ये लग रहा है कि लाइब्रेरी जो है ये लोगों के लिखे हुए पैकेजेस, मैं इनको ये कहता हूँ कि हम नकल मार रहे हैं लेकिन अकल के साथ, ठीक है। और कुछ लोग अपनी असल भी नकल करने के लिए दे देते हैं कि ये पकड़ें इस्तेमाल करें, इसको बोलते हैं ओपन सोर्स, ठीक है।
उसको बोलते हैं ओपन सोर्स। तो जितनी लाइब्रेरीज हैं पाइथन के अंदर वो सारी की सारी ओपन सोर्स हैं। बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू वन टिप जो आपके लिए बड़ी कारामद साबित होने वाली है। वो एक टिप है। वो क्या टिप है? आप आज ही गूगल पे सर्च करें कि हाउ मैनी लाइब्रेरीज आर यूजफुल फॉर डेटा साइंस विद पाइथन। सिर्फ ये लिखें, उनके नाम एक दफा आपके जुबान से निकल गए ना या आपको समझ आ गए, दैट वुड बी इजियर। मतलब हमें ये क्यों रटे हुए हैं? मुझसे कोई पूछे ना डेटा साइंस की लाइब्रेरी में, बोलूंगा पांडास पाइथन की लाइब्रेरी के अंदर आगे आती है मैटप्लॉटलिब, फिर सीबॉन, मैटप्लॉटलिब की आगे लाइब्रेरी सीबॉन है, ठीक है? तो मुझे पता है कि किस पे कौन सी डिपेंड करती है, तो वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। बट फॉर नाउ अगर आपको पूछे पांडास, नमपाई, ठीक है, साइकिट लर्न है, पाईसाई स्टैट्स, साईपाई स्टैट्स है, इस तरह की लाइब्रेरीज काफी है, तो आप सिर्फ लिस्ट करेंगे टॉप 15 लाइब्रेरीज, टॉप 20 लाइब्रेरीज फॉर डेटा साइंस इन पाइथन। तो जब आपको वो समझ आ जाएगी ना, तो ट्राई टू इंस्टॉल देम यार, ठीक है? और उनकी अपनी वेबसाइट्स बनी है, मतलब पांडास की पूरी वेबसाइट बनी हुई है। यू डोंट नीड टू आस्क अस के कैसे कैसे हमने यूज करनी, जस्ट प्रैक्टिस करें। ऑब्वियसली हम भी पढ़ाने वाले हैं, नमपाई पढ़ाने वाले हैं, पांडास पढ़ाने वाले हैं, हम आपको मशीन लर्निंग की साइकिट लर्न पे पूरे के पूरे बूट कैंप करने वाले हैं, सो वी आर गोइंग टू टीच यू। लेकिन मजा तब है कि आप उससे गो थ्रू एक दफा हो जाए उनकी डॉक्यूमेंटेशन के साथ, ठीक है? अभी जैसे मैंने आपको ये लिंक सेंड किया है पाई फॉरेस्ट का, इसके ऊपर पूरी की पूरी डॉक्यूमेंटेशन पड़ी हुई है, क्योंकि अक्सर लोग इतनी एक कंपाइलेशन के ऊपर दिल करें, उन्होंने पीएचडी की हो पूरी की पूरी। सो अगर हम आपको एक दिन में पढ़ा रहे हैं तो वी हैव टू सॉर्ट इट डाउन, लेकिन आपका ये फर्ज बनता है कि आप इसे साथ साथ पढ़े भी। लाइब्रेरीज डेटा साइंस के अंदर कितनी और कौन कौन सी यूज होती हैं, एंड लिस्ट करें, एंड बेहतर यह है कि आप मुझे भेज दें उसको, एंड लिस्ट करने के बाद एज एन असाइनमेंट उसे आप मुझे भेज दें। और ये जो लिंक अभी मुझे तकी ने यहाँ पे भी भेजा था कि अगर आप पेड ग्रुप के अंदर भेज देंगे दैट वुड बी ग्रेट, ताकि सभी को मिल जाएगा, अदरवाइज आप अब्दुल रहीम को या मुझे इनबॉक्स कर दें, देन वी कैन पेस्ट इट ओवर देयर, ठीक है? ये तो हो गई लाइब्रेरीज। कोंडा क्यों यूज करना है, टेंशन ना लें अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, इसकी जरा टेंशन ना लें। रीजन क्या है, बूट कैंप के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से हम समझाने भी वाले हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपको इन चीजों की समझ भी आ जाएगी। ऑन दी अदर हैंड कोंडा के ऊपर अगर आप ये जो मैंने चीट शीट आपको भेजी है, ऐसे आप ओपन करें ना, तो एक दफा इसे गो थ्रू करते हैं। जो चीट शीट मैंने आपको भेजी है कोंडा की, आप इसे ओपन करें प्लीज। ओपन करने के बाद इसको गो थ्रू करें एक दफा, तो आपको समझ आएगी कि कितनी आसानी है आजकल डेटा साइंस सीखने में, बजाय इसके कि आप इधर उधर की बातें सुनते रहें और हमें समझ ना आए। मैं आपके सामने यहीं पे ओपन करता हूं और होपफुली मेरा नेट ठीक रहेगा इस दफा। आई एम गोइंग टू शेयर इट एंड यस, आपको आवाज आ रही होगी, अगर नहीं आ रही तो प्लीज लेट मी नो। तो ये है जनाबे वाला हमारे पास चीट शीट जो मैंने आपको भेजी है। इसके अंदर क्या है, कोंडा की बेसिक्स क्या होता है इंस्टॉल करने के बाद, ऑब्वियसली वेरीफाई कैसे करना है, कोंडा कौन सा है, कोंडा स्पेस इन्फो, ये इंफॉर्मेशन लिख देनी है। अपडेट कैसे करना है ऑटोमेटिकली, ये कमांड है। इंस्टॉल करना है कोई पैकेज तो इस तरीके से आपने कर लेना, ठीक है? स्पाइडर इंस्टॉल करना है तो स्पाइडर के साथ आगे पैकेज का नेम लिख देना है, लिखने के बाद मतलब उसे रन करने के लिए। ये उन्होंने बताया कि अगर आपने कोंडा इंस्टॉल करना है और आगे आप पैकेज नेम लिख सकते हैं। मजे की बात बताऊं, जो आर को यूज करते हैं, दे कैन ऑल्सो यूज दिस थिंग विद आर, कोंडा इंस्टॉल आर, ठीक है? खैर दैट्स अनदर थिंग। तो आप इस तरीके से हेल्पलाइन देख सकते हैं। एनवायरनमेंट कैसे बनाना है, ये लिखी हुई है जी कमांड, ठीक है? फिर आगे विंडोज में कैसे बनाना है, एक्टिवेट करना है, लिनक्स और मैक में कैसे करना है, ये लिखा हुआ है। कोंडा एनवायरनमेंट लिस्ट जैसे मैंने निकाली थी या तकी हुई ने आपके सामने किया था काम, कोंडा क्रिएट क्लोन पाई 35 नेम दिस वन, आप इससे क्या कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं एनवायरनमेंट को, ठीक हो गया? ये सारी चीजें आपके सामने हैं, ठीक है? अब इसको प्रैक्टिस करने के लिए ना आपको मैं एक चीज बताता हूं अभी, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। अब ये चीट शीट आप देखें एक दफा, इसके बाद हमने ऑलरेडी ना एक
पूरी की पूरी वीडियो फुल फ्लैज जैसे पे बनाई हुई है कोंडा के बारे में कि कोंडा के एनवायरनमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं वही देख रहा हूँ, अगर मेरे पास आ जाती है सर वो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है अब्दुल रहीम, अगर आप देख के ग्रुप के अंदर शेयर कर दें तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अब रीजन क्या है, अब अगर आप कोंडा की बेसिक चीजें समझ जाते हैं और उस एनवायरनमेंट को समझ जाते हैं, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट बाय टुमारो ऑनवर्ड्स और इन चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, अब आज का जो टाइम है ना, ताकि आप ताकि कहाँ गए, ताकि इधर ही है जी जी मैडम। ठीक है, तो आप अगर फाइनली दिखाना चाहेंगे पाई फॉरेस्ट के अंदर कैसे आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल की है और उनका लिस्ट कर दें अगर पैकेज को, तो वो इजी हो जाएगा सभी के लिए, अगर आप स्क्रीन शेयर करके दिखा दें एक दफा। जी मैं दिखा देता हूँ, ये मैंने कमांड लिखी है, कमांड लिखने के बाद मैं इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये जो है ना इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। सबसे पहले तो ये पाइफॉरेस्ट को इंस्टॉल करेगा, और ये डाउनलोड कहाँ से कर रहा है कि ये सिंगुआ जो चाइना की यूनिवर्सिटी है उनकी वेबसाइट से जो है ना ये इंस्टॉल कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, तो सक्सेसफुली ठीक तो ये जो है ना मेरे पास जो है ना सारी की सारी लाइब्रेरीज जो है ना इंस्टॉल हो गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लिखा रहा है सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड पाइफॉरेस्ट। तो इस तरह जो है ना आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू। देखिए अच्छा चले, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका नाम पाई फॉरेस्ट क्यों है, इसके पीछे थोड़ी सी बात करें हल्की सी बस, ऐवें दो तीन लाइनें। पाई का मतलब पाइथन, फॉरेस्ट का मतलब उसका जंगल, जंगल के अंदर क्या होते हैं, दरख्त होते हैं। तो हर लाइब्रेरी को इन्होंने दरख्त कह के वो पूरी की पूरी लाइब्रेरीज आपको दे दी, ये ले पकड़े अपने कंप्यूटर के अंदर अपना पाइथन का जंगल लगा लें। समझ आई बात की? So actually they are providing you all the list of packages जो आप एक combined line के through install कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर आपने PyForest का नया environment बनाना ना, that would be easier for you। क्यों? क्योंकि वो वहां पे तो सारी libraries हैं, लेकिन आपने भी तो practice करनी है ना खुद से personal level पे libraries को install करने के लिए, या नहीं करनी? अगर किसी ने नहीं करनी उनके लिए आसानी है, वो सारी ऐसे install हो जाएंगी। But I would suggest कि आप मैं सारी की सारी नहीं, मतलब मेरा कहने का कि सारी पूरे जंगल के अंदर दुनिया के सारे दरख्त थोड़ी ना होते हैं, कोई स्पेशल स्पीशीज होती है ना, ये ब्रीड्स होती हैं। तो जो डेटा साइंस के लिए जरूरी जरूरी लाइब्रेरीज है वही होंगी इसमें, 137,000 समथिंग नहीं होंगी। ठीक है, तो इस वजह से आप इस पर फोकस करें और इन लाइब्रेरीज को थोड़ा सा रीड आउट करें। अभी जो अब्दुल रहीम है ये इसके अंदर अपना जो लिंक है वो प्लीज आप अगर पेस्ट कर दें, दैट वुड बी ग्रेट। ठीक है सर, कोलैब के अंदर दो वीडियोस हैं, इसमें एक है इसमें मिनी कोंडा है ना कोंडा वाला, और एक है उससे पहले वाला, दोनों में आपने किया तो दोनों वीडियोस पोस्ट कर दूं? जी दोनों वीडियो शेयर कर दें, दोनों वीडियो शेयर कर दें प्लीज ग्रुप में। अच्छा आपस की बात है, वैसे कल किसी ने जो हमने वीडियो लास्ट पे मैंने अपने वाली भेजी थी वो किस किस ने देखी है अब्दुल रहीम के पढ़ाने के अलावा भी, सारी की सारी और जिस पे प्रैक्टिस की हो अपने हैंड रेज करेंगे। ना हैंड रेस कर देना, मैंने व्यूज भी काउंट कर लेने वहां पे जाके यूट्यूब पे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, काफी लोगों ने देख लिया, जिन्होंने नहीं देखी मेरे उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे टास्क रोजाना डिवाइड हो रहे हैं। आप काम कर रहे हैं तो मेरे साथ चलते रहेंगे, काम नहीं करेंगे तो आप मेरे से बिल्कुल साइड पे होते जाएंगे। सो नाउ द थिंग इज आई नो आई एम लिटिल बिट लेट टुडे, आई अपोलोजीज फॉर दैट, लेकिन टुमारो वी हैव अ बिग प्लान, और जो प्लान है वो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दिया हुआ है, अगर आपने पहले मैसेज देखा था, अगर नहीं देखा तो आई कैन टेल यू अगेन कि जो हमारा कल वाला सेशन है यस तकरीबन 11 बजे स्टार्ट होना है। ठीक है, तकरीबन 11 बजे से मुराद कि ये 11:10 के करीब करीब हमने एडमिट बंद कर देना है जूम के अंदर। ठीक है, और कोशिश हम करेंगे कि जूम के अंदर अगर हमें थोड़ा सा ग्लिच आए तो हम इसको लाइव यूट्यूब पे कर देंगे,
तो सारे वहां पे YouTube पे देखते रहेंगे, फिर दो दो घंटे बाद आके हम यहाँ पे Zoom के अंदर प्रैक्टिस करते रहेंगे साथ साथ। बट वी विल सी कि अगर Zoom पे ही करना है तो हम Zoom पे भी कर सकते हैं, वी विल सी टुमारो। मैं आपको लिंक भेज दूंगा इंटरनेट और बाकी चीजों को देखते हुए। तो इंशाल्लाह कल 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे और आपके जितने क्वेश्चन है सभी के बड़े तहम्मुल के साथ हम आंसर्स देने वाले हैं, ठीक है। 11 से 5 बजे तक ठीक है पाकिस्तानी टाइम। तो कल वाली मीटिंग ना मिस करें, संडे पूरे का पूरा आप लोगों के साथ हैं, पूरे के पूरे से रात के ज्यादातर टाइम लाइक द सिमिलर टाइम। तो इसमें आपके क्वेश्चंस के आंसर, आपकी प्रैक्टिस, आपका बूट कैंप, आपको डेटा दे के इंपोर्ट करवाना, डेटा विजुअलाइजेशन और इस तरह की काफी चीजें आपको सिखाने वाले हैं कल और परसों के दौरान। तो स्टे ट्यून, मुझे पता है कि आप लोग अभी थोड़े से ओवरवेल्म्ड हैं डिफरेंट चीजों को लेके, बट स्टिल आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें राइट डाउन करके रखें। इंशाल्लाह कल से हम आपको लाइव बूट कैंप में काम करना सिखाएंगे कि किस तरीके से लाइव काम किया जाता है, ठीक है। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम टू आस्क फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स एंड देन वी कैन हैव अ लुक के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। वजीहा, आप बड़ी देर से हैंड रेज करके खड़ी हैं, प्लीज बताएं, अनम्यूट कर लें पहले। बेसिकली मैं हैंड कर जो है रेज करके बैठी हुई थी, तो मुझे क्वेश्चन मेरा, पहले तो मैंने आपसे ये कहना है कि हम ना बेसिकली पिछले 3 दिन से आई थिंक सो लूप्स के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो थोड़ा ना मतलब ये फील हो रहा था कि हम एक ही चीज को बार बार कर रहे हैं तो वो मुझे एक थोड़ा सा आपसे कहना है कि मतलब अब यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तो वो आप मतलब एक चीज को अगर इतना टाइम लगाएंगे तो हम नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड करने में बहुत टाइम लग जाएगा। बार-बार कर रहे थे, कौन सी ऐसी चीज कोई पॉइंट आउट करेंगे प्लीज? सर जैसे लूप का है ना, मतलब जैसे कि अब्दुर्रहीम भाई समझा रहे हैं तो मिड में अगर एक क्वेश्चन आ जाता है अब्दुर्रहीम भाई रुक के उनको समझाते हैं तो वो बेसिकली ना थोड़ा प्रोलॉन्ग हो जाती है चीज, या तो उसको पूरा एक बार कवर करके लास्ट पे क्वेश्चन रख लिए जाए क्योंकि फिर वो बहुत लेंथी हो जाता है। अच्छा, मतलब आप जो चीज समझ रहे होते हैं वो फिर माइंड से निकल जाती है, या जिन लोगों को समझ आती है वो थोड़ा बोर फील कर रहे होते हैं, ये एक चीज है। और दूसरा मैंने आपसे ना पूछना था विजुअल के बारे में। वीएस में मैंने ना अपनी नोटबुक बनाई है जो आपने लास्ट वीडियो सेंड की थी प्रैक्टिस वाली, तो उसमें मैंने ना सारी लाइब्रेरीज बना जो है सारी नोटबुक कंप्लीट कर लिया, लेट मी ओपन। तो उसमें एक था फंक्शन इनपुट वेरिएबल्स वाला, तो उसमें इनपुट वेरिएबल जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके बाद हमारे पास आउटपुट में आता है तो हम उसको आंसर करते हैं, लेकिन वो मेरे से जुपिटर नोटबुक में नहीं हो रहा तो उसको कैसे करेंगे? वो आपकी प्रॉब्लम देख के पता चलेगा स्क्रीन पे, तो इंशाल्लाह कल को हम इसको देखते हैं और इस पे इंशाल्लाह हम काम भी करते हैं, ठीक है। वो बेसिकली ऊपर वीएस कोड के ऊपर ना जहाँ पे आप कंट्रोल शिफ्ट पी दबाए ना तो उसकी एक पैलेट आती है, तो उसके अंदर वो आपने लिखनी होती है इनपुट, ठीक है। तो वहां पे आपको आना चाहिए, वो आप चेक करें, आपको आ रहा होगा, आपको समझ नहीं आ रही होगी कि ये क्या कह रहा है, वो उसको पढ़ें। ऊपर सर्च बार नहीं होती, एग्जैक्टली वो ऊपर टैब ओपन हो जाती है लेकिन मुझे उसको समझ नहीं आता, उसके लिए इनपुट लिखनी होती है, इनपुट लिख के एंटर मारें, ठीक है। मैं उसको बार बार एस्केप कर देती हूँ कि पता नहीं इसके साथ क्या करना है। इनपुट मांग रहा है, आप कहती है मैंने नहीं देनी, तो फिर उसने काम थोड़ी ना करना है। ओके, एक और चीज पूछनी है कि जो मतलब आपने जुपिटर नोटबुक में सारी जो है डिक्शनरीज टुपल और डिफरेंट चीजें सेट्स वगैरह बनाई हुई है, वो मैं जुपिटर नोटबुक जो विजुअल स्टूडियो में है उसमें अगर सारी चीजें राइट कर लूं तो कोई इशू तो नहीं है सेपरेटली एनाकोंडा के जुपिटर नोटबुक में उसको करने की बजाय? नहीं नहीं, एनाकोंडा के अंदर नहीं करने की जरूरत किसी को भी कुछ भी। आपको बताया हमने कि एनाकोंडा से स्टार्ट होता है, क्योंकि जब आप यहाँ से पढ़ के बाहर जाएंगे ना तो आधी से ज्यादा दुनिया एनाकोंडा वाला जुपिटर नोटबुक यूज करती है, ये बात याद रखें। गूगल कोलैब पे जाएंगे वहां पे भी जुपिटर नोटबुक ऐसे ही यूज होता है, हर जगह पे जाएंगे जुपिटर नोटबुक एक बेस है IPython वाली फाइल। तो हमने वीएस कोड में आपको सिखाई है, साथ में एक डिफरेंट टच भी दिया कि एनाकोंडा में भी सेम फंक्शंस के साथ चलती है, अगर आपने वहां पे ओपन करनी है वहां पे भी ओपन हो जाएगी। फिर एक गूगल कोलैब की एक बड़ी ऑप्शन है, वहां पे भी ओपन हो जाएगी। फिर आप जब शेयर्ड में काम करते हैं अपनी कंपनी में, अल्लाह करे आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाएं, तो वहां पे वो शेयर्ड डॉक्यूमेंट में काम करते हैं, तो वो एट द एंड वीएस कोड की फाइल में आप ओपन कर सकती हैं उसे वीएस कोड के अंदर उस फाइल को। तो वी आर गिविंग यू फर्दर अपॉर्चुनिटीज कि आप कैसे ओपन कर सकती हैं। आंसर मैं दूंगा आपके, हमारे लिए हर इंडिविजुअल मैटर करता है, चाहे चाहे वो जूनियर है, चाहे चाहे वो सीनियर है, चाहे चाहे वो फर्स्ट क्लास का बच्चा है,
चेंज आए वो बिल्कुल प्राइमरी है. अगर हम इंडिविजुअल क्वेश्चन के आंसर नहीं देंगे तो वी कैन नॉट रन दिस प्लेटफॉर्म. ठीक है, आपने तीन क्वेश्चन पूछे, मैंने आपको कहा नहीं दो क्वेश्चन के अलावा नहीं पूछने, मैंने नहीं ना कहा. तो अगर आपके क्वेश्चन की वैल्यू है तो सभी के क्वेश्चन की वैल्यू है. एंड कीप इन माइंड जब क्लास होती है ना तो क्लास के अंदर एक बच्चा जब क्वेश्चन पूछता है ना, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 20 से 25 बंदों को नहीं आता होगा उसका जवाब. तो वो उनकी क्लैरिफिकेशन होती है. आप में से आधे से ज्यादा लोग हैं जिनके अक्सर मैसेजेस आते हैं कि जब आप लाइव समझा रहे होते हैं तो अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं, एट दैट टाइम वी रियलाइज कि ये तो हमें पता ही नहीं था, ये ना पूछते तो हमें पता ही नहीं चलना था. सो दैट इज वाई वी आर लर्निंग इन दिस वे. अदरवाइज तो यूट्यूब भरी पड़ी है ना. तो ये आपकी लर्निंग के लिए आई थिंक इट वुड बी नाइस कि अगर हम सभी टीम वर्क के साथ काम करें. और हो सकता है अगर उसने हमसे क्वेश्चन पूछा है तो आप आंसर देना स्टार्ट करें हमारे साथ. दैट वुड बी यू नो इवन बेटर. क्यों? जब बंदा पढ़ाता है तो ज्यादा सीखता है बजाय इसके कि सीखे सिर्फ. ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है चैट के अंदर, यू कैन ऑल्सो आंसर ओवर देयर इफ यू नो बेटर देन हिम, कि आपका फ्लो भी ना टूटे और आप ज्यादा उसको रेपिटेशन में भी लें. और जब हम चीजें को रिपीट कर रहे हैं, लाइक मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, मैंने उसकी वीडियो रख देता हूँ और अब्दुल रहीम आपको ज्यादा क्लियर कर देते हैं. तो इट्स अ डुअल चैनल इन्फॉर्मेशन थिंग जिससे आपकी प्रैक्टिस ज्यादा हो रही है. ठीक है, और आप खुद सोचें अगर 7 दिन में आपने इतना कुछ सीखा है, सो देयर मस्ट बी समथिंग जो अभी आपके पास अगले 33 दिनों के अंदर आनी है. ठीक है, तो इंडिविजुअलिटी मैटर्स फॉर अस. इंशाल्लाह हम इसको बरकरार रखने वाले हैं और आप इसको एंजॉय करेंगे फ्यूचर में. अब आपको शायद लग रहा हो कि बेसिक्स है इस वजह से, लेकिन जब EDA चलेगा ना आप सोचेंगे कि कोई टीम हो, सभी सोचेंगे कि कोई टीम होनी चाहिए हमारे लिए. सो डोंट वरी, आप एंजॉय करने वाले हैं. एंड विजया, मैंने आपको नहीं पॉइंट आउट किया, आपके जैसे और भी लोग हैं जो अक्सर मुझे कहते हैं कि आप एंड पे क्वेश्चन ले लिया करें, बट समटाइम्स इट द रिक्वायरमेंट सेज कि यार आप पढ़ाते जाते जाते पढ़ें, अदरवाइज एंड पे क्वेश्चन तो हम लें जो बहुत इंपॉर्टेंट. अगर मिडिल में ना लें तो वो बंदा बस पीछे कहीं उतर जाता है ट्रेन से, तो अगर हम रोक के उसका दोबारा से वेट करें ना तो वो ज्यादा टाइम लेता है बजाय इसके को उधर उसको वही समझा दे भाई ये तुम्हारा स्टेशन नहीं. ठीक हो गया, सो इंशाल्लाह हम इस पे काम करते हैं. जिनका कैमरा ऑन नहीं है आई कैन नॉट एक्चुअली आंसर, मेरा ऑन ही है ना बस. ठीक है, मोहम्मद फहद बोले प्लीज. अस्सलाम वालेकुम सर, बाकी तो सब चीजें मेरी क्लियर है जो कल तक चली है, सब कुछ सेट है, लेकिन आपका माइक नहीं क्लियर, बाकी सब कुछ क्लियर है. अभी सर मेरी आवाज आ रही है क्लियर? हाँ आ रही है, थोड़ा ऊंचा बोले प्लीज. सर मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आज सर तकी ने पढ़ाया ना वो बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि मतलब जो जैसे उन्होंने पॉइंट पहले उनको एनाकोंडा प्रॉम्प्ट के अंदर पहले उन्होंने वो जो क्या नाम है उसको जो स्ट्रीमलेट को या जो दूसरा ने एनवायरमेंटल किया वो भी बिल्कुल समझ नहीं आया, और जो क्या नाम है उसका फिर VS कोड के अंदर जाके कुछ किया वो भी बिल्कुल भी समझ नहीं आया. ये चीज कोई मसला नहीं है, जो दो वीडियोस मिली है ना इनको देखें फिर बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा. आई एम जस्ट किडिंग, आएगा फिर समझ. आप वो दो वीडियोस देखें, नहीं भी समझ आता नो वरीज यार, मैंने बोला है कि अभी आपकी जरूरत नहीं है. वी आर जस्ट गिविंग यू द नॉलेज कि अगर कोई बंदा एडवांस लेवल पे है ना, देखें हमने सभी को साथ लेके चलना है, तो जो कुछ एडवांस लेवल पे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है अभी इस वक्त सीखना. अगर आपको अब समझ नहीं ना आ रहा तो आपके पास ये लिख के रख रहे हैं कि कभी अगर एनवायरनमेंट बनाने पड़ते हैं तो ये वीडियो है, वापस आके देख ली. ठीक है, ठीक है सर. तो सर दूसरी बात ये थी कि मेरी दूसरी सुन ले पहले. दूसरी मेरी ये बात है जो मैंने वीडियोस भेजी उसको गौर से देखें, आपको सारी समझ आ जाएगी. ठीक है, अब बोले अपनी बात. दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बोला कि जैसे कल आपने बोला कि 11:10 के ऊपर हम बिल्कुल मीटिंग क्लोज करेंगे, आज भी मेरे साथ ये हुआ कि लाइट चली गई और नेट ऑफ हो गया, तो मेरा जो है मीटिंग ऑफ हो गई. तो जिस तरह सर रहीम ने लॉक किया तो मैंने मैम जरदाशा को मैसेज किया कि आप प्लीज उनसे कहें कि इस तरह सर पाकिस्तान में है तो मसला तो बहुत है, तो फिर अगर इस तरह लॉक हो जाए तो हमारे साथ मसला करेंगे. फहद भाई हमारे साथ मसला क्या है भला, हमने पिप पढ़ा दिया और भाई ये कहा कि यहाँ पे पूछ रहे पिप क्या है, तो हमारे साथ फिर ऐसे मसले होते हैं. तो फिर वहां पे वो जो अभी बजिया बात कर रही थी, वहां पे ऐसे क्वेश्चंस अगर हम लेते हैं तो वो रेपिटेशन में आता है, वो वी हैव टू सी दैट. लेकिन इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू फिक्स इट और कोशिश करेंगे कि आप इसको अच्छे तरीके से देख सकें. अली जावेद जी, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम सर. आज का सेशन काफी अच्छा रहा, काफी चीजें अंडरस्टैंडिंग करने को मिली है. बाकी आपने जो मुझे ये बताएगा कि जो VS कोड के लिए, चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, तो हम VS कोड की मतलब मेरे से ऐसा हुआ कि मेरे से कोई ऐसी ऑप्शन उसकी क्लिक होगी कि उसकी वो ना 5-10 व्यूज के नजर आना शुरू हो गए स्क्रीन के ऊपर एक एक करके सारे बंद. जी हेलो, एक एक करके मैंने कहा सारे बंद कर दें, जो 5-10 आए ना सभी को एक एक करके बंद कर दें. सर वो मतलब उसके कॉर्नर पे या कहीं भी ना क्रॉस करने की ऑप्शन ही आ रही है, मुझे अल्टीमेटली समझ नहीं है.
अली भाई और लाइटर नॉट कोई बच्चे भी आपका कंप्यूटर यूज करते हैं? नहीं सर, मेरा तो कंप्यूटर कोई भी यूज नहीं करता, वो मुझसे कोई ऑप्शन में मतलब वो जो वीएस कोड में इतनी सारी ऑप्शंस है डेरोडेर, मैं उस पे किसी पे चेक कर रहा था तो वहां से कोई ऑप्शन उसकी भी फिर मैंने अल्टीमेटली अनइंस्टॉल किया। अली भाई आपकी बात ठीक है, एक देसी तरीका बताऊं जी, पाकिस्तान में टीवी ना चल रहा हो हम क्या करते हैं, रिमोट ना चल रहा हो तो क्या करते हैं, बस वो हाथ से मारते हैं तो कुछ से कुछ छोड़ देते हैं। इसको हाथ से नहीं मारना, इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल कर ले। बस मैंने भी यही काम किया तो वो फिर सब हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताएं। अच्छा फिर क्वेश्चन बताने के लिए पूछा यार अली। नहीं सर एक आखिरी बात, हम जैसे वो विजुअल कोड में .py से एक फाइल सेव करते हैं और दूसरी एक अगर हमने वो जुपिटर नोटबुक वाली उसकी एक्सटेंशन देके के लिखेंगे तो वो दो अलग अलग फाइल से जनरेट हो जाएगी? नहीं, IPython वाली फाइल कहाँ कहीं पे बनाएंगे ना सही नाम से तो वो सेम होगी। .py वाली आपने बताया था अपनी वीडियो, वो डिफरेंट होंगी वो दोनों, जब एक्सटेंशन डिफरेंट है तो फाइल भी डिफरेंट है। अच्छा ठीक है, बाकी सर वो जो एक्सटेंशन जब भी डिफरेंट है फाइल डिफरेंट है। ठीक है जी, फाइल डिफरेंट है। बाकी सर मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, थैंक यू वेरी मच, आप दूसरों को मौका दे दीजिए। थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह। तो गुस्सा भी नहीं करना, मैं मेरी आदत ऐसे मजाक में काम खींचने की, तो डोंट वरी। अदील बोलने दो इसे, इसका माइक बंद है, इसको बताइए। नहीं आ रही यार, अनम्यूट तो करो भाई, मैं रिक्वेस्ट कर करके थक गया अनम्यूट की। नीचे बटन पे क्लिक कर लो माइक के। आ गई, अब आ गई है आवाज, फिर नहीं आई। गेमिंग माइक लगाया भाई ने लेकिन चल नहीं रहा, आई एम सो सॉरी। नहीं अभी भी नहीं आई। किंग साहब तुसी लम्बे पे के लेक्चर देख रहे हो या कंध ना लगे? आमिर भाई आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ना छोटा सा क्वेश्चन था कि जब भी आप जो जैसे रहीम भाई या तकी भाई जब पढ़ाते हैं तो वो तो कंप्यूटर साइंस के प्रो हैं तो वो टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, जैसे आज रहीम भाई ने इटरेबल की शायद इस तरह की कोई टर्मिनोलॉजी यूज की थी तो मुझे उसका कोई मतलब नहीं पता था, बाद में उन्होंने बताया कि एक कंडीशन होती है और जो इसका अपोजिट होता है वो रेंज होता है, तो काइंडली अगर वो फौरन बता दिया करें कि टर्मिनोलॉजी जो मैं यूज कर रहा हूँ इसका ये मतलब होता है आसान वर्ड में, ताकि फिर इजी हो समझने में। बिल्कुल अब्दुल रहीम, पॉइंट टू बी नोटेड है। इसको जार्गन्स बोलते हैं, कभी भी जार्गन यूज नहीं करते। जब आप एक क्लास जिसमें बच्चों से लेके बड़ों तक मतलब एक्सपीरियंस नॉन एक्सपीरियंस या बिगिनर से लेके एडवांस लेवल के बंदे हो ना, वहां पे जार्गन्स कम यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू यार आमिर जी, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दैट। शाहरुख इकबाल, यार इतना एक्साइटेड बंदा बैठा है, तब से हाथ भी हिला रहा था, माइक नहीं चल रहा भाई का। इस भाई ने ना मेरा पहला लेक्चर नहीं लिया आई थिंक, इस वजह से माइक नहीं चल रहा। हुरैरा हसन प्लीज आप बोले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरी ये सजेशन है कि सर जब नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है तो प्लीज हमें अगेन ज्वाइन कर ली, क्योंकि सर जब रहीम पढ़ा रहे थे तो मैंने आपका जो बेसिक लेक्चर था पाइथन का चिल्ला डेट होगा वो मैंने देख लिया था पहले, तो सर रहीम आज लूप्स के बारे में मैंने सवाल किया था तो उसी टाइम मेरे नेट डिस्कनेक्ट हो गई थी जिसकी वजह से मैं अगेन ज्वाइन नहीं हो पाया उस मीटिंग में, तो मुझे ये लूप्स का क्लियर नहीं था कि लूप फॉर लूप्स और व्हाइल लूप्स कहाँ यूज किया जाता है, तो वो सर रहीम उसका आंसर दे रहे थे तो जिसकी वजह थोड़ी देर बाद मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। आपके बात मैं समझ गया हूँ और थिंक सो कि ये इस चीज़ का हम सलूशन कोई निकालते हैं और इस पे काम करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, कोई मसला नहीं जनाब। सज्जाद हुसैन, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी सज्जाद। अच्छा सर, मेरा सवाल ये था कि एनाकोंडा एनवायरनमेंट में कमरे बनाए या जो सर ने लास्ट टाइम कमांड बताई है हमें वीएस कोड के अंदर वहां पे वो कमांड लगा के इंस्टॉल कर दे सारी लाइब्रेरी? आपको मैंने बताया कि एक एनवायरनमेंट आप बना सकते हैं वीएस कोड के अंदर भी, जब मिनी कोंडा आपने इंस्टॉल कर लिया ना, मिनी कोंडा
ठीक है, जब वो इंस्टॉल हो गया तो ये आपके वीएस कोड के अंदर भी टर्मिनल ओपन हो जाना, आपको बाहर ओपन करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, तो वहां पे एक कमरा इसका बना देंगे, ये पाई फॉरेस्ट का सारा कमरा है, जाओ भाई अंदर, तो हमेशा उसे यूज करते हैं। जब वो पाई फॉरेस्ट मसला करे तो अपना खुद से बना लेने का कमरा, ताकि आपको मसला ना हो। ठीक है, चलो ठीक है, थैंक यू, वेलकम। रूहो रूहो वाली बातें हम कर रहे हैं, हम देखें, मैंने कमरा बोला है और आप भी कमरा बोल रहे हैं, दैट्स गुड। जी सर, मैंने ये बात करनी थी कि कल वाले लेक्चर के हवाले से, कि मतलब मेरी जो जॉब करते हैं लोग, कईयों के हफ्ते वाले दिन भी ऑन होता है ना, तो कल हमारी भी जॉब का टाइम होगा सुबह के टाइम, तो अगर हम ज्वाइन ना कर सके एट अ टाइम, या फिर इस तरह मतलब 2 बजे तक जॉब होती है, तो 11 बजे अगर शुरू करेंगे हम ज्वाइन कर लें, लेकिन फिर घर भी आना है, ये भी देखना है ना। नहीं नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, इसी वजह से रिकॉर्डेड होगा सारा सेशन, और यू कैन एक्चुअली एंजॉय दैट सेशन व्हेन यू हैव योर टाइम। तो असाइनमेंट जो उसके अंदर जो भी प्रैक्टिस होगी, आप ये प्रॉमिस करें कि जब आप फ्री हो जाएंगे तब उसे देख के प्रैक्टिस करके आप उस पे अमल दरामद कर लेंगे, तो ये आपका फायदा है सिंपली। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने स्टार्ट में दी है सभी को ना, कि अगर आपकी जॉब का इशू है एंड यू आर लर्निंग फ्रॉम अस, तो आप जब आप दिन में कभी भी फ्री हैं उसको बैठ के एक दफा फिनिश करें, एंड देन नेक्स्ट डे सेम वही प्रोसीजर करें, रिकॉर्डिंग्स वुड बी अवेलेबल फॉर यू गाइस। जी ठीक है, बस वही पूछ रहा था मैं कि कोई, आप कह रहे थे ना कि वो लॉक कर देंगे मतलब, तो उसके बाद फिर अगर कोई बात मिस हो गई या वो, असल में मैं बताता हूं उसका सॉल्यूशन, मैं बताता हूं, क्योंकि अभी भाई ने क्वेश्चन किया, पता नहीं किसने बोला था कि इंटरनेट की वजह से मैं आउट हो गया फिर नहीं आया, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि इंशाल्लाह हम उसको अभी से रिजॉल्व करते हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चंस ले लूं, मैं उसका प्लान बताता हूं। जी मोहम्मद अशफाक, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये कि सर, जो आज की वही मेरे साथ भी वही मसला हुआ, मैंने क्वेश्चन भी सर से किया था, मुझे आंसर भी मिला, उसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो एंड बीच में मैं फिर एंटर नहीं हो सका, तो सर आज की रिकॉर्डिंग मिलेगी पहला मेरा ये क्वेश्चन है, टाइम लगेगा लेकिन मिलेगी जरूर। ठीक है, और सर दूसरी बात ये थी सर कि जो असाइनमेंट हम भेजते हैं सर, वो उसको पता बताएंगे ना कि मतलब मैं ठीक की गलत की, मतलब जो कल। यार ऐसा नहीं, मैं आपको बताऊं, दो चीजें माइंड में रखिएगा, असाइनमेंट आपकी 3-4 चीजों के लिए जरूरी है, पहली चीज आपकी इसलिए जरूरी है कि आपका इस कोर्स में बने रहने के लिए, दूसरी चीज असाइनमेंट हम 300 बंदों की चेक नहीं करता मैं सारी की सारी, लेकिन जो आउटस्टैंडिंग होती है वह खुद ब खुद बोलती है। ठीक है, तीसरी चीज उस असाइनमेंट का हम सोल्यूशन अगली से अगली वीडियोस में देते रहते हैं, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि आप मैच्योर हैं, आप बच्चे थोड़ी ना कि आपने यहाँ पे मेरे से स्टार बनवाना है कि मैंने अच्छी असाइनमेंट की है। ठीक है, सो वी आर लर्निंग है, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं ना, आपको अगर रेड मार्कर दे दिया जाए, रेड पेन दे दिया जाए, तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रैक्टिस। और एंड पे ये होता है, जब मैं एंड पे काउंट कर रहा होता ना सर्टिफिकेट्स वगैरह, तो मैं डेट और हर एक चीज काउंट करता हूँ कि किस दिन मैंने कौन सी असाइनमेंट दी थी और इस बंदे ने उस टाइम पहुंचाई के बाद में पहुंचाई, so everything counts, लेकिन जो मैंने आपको चीजें बताई हैं, तो these are the ways के हम इस तरह चेक करते हैं। बाकी बूट कैंप के अंदर पानी का पानी, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है, पता लग जाता है किसको कितना आता है। अब मैंने अगर आपसे असाइनमेंट मांगी है कि लाइब्रेरीज का मुझे बताएं, तो मैं तो अक्सर ऐसे बैठे बैठे पूछ लेता होता हूँ कि हाँ जी कौन कौन सी लाइब्रेरीज है, तो असाइनमेंट उसका मैंने देखा सर, उसने कहा 137,000 टोटल। नहीं भाई, आपने आपने मेरी बात नहीं हुआ, मैंने बोला टॉप 20 या टॉप 15 डेटा साइंस की लाइब्रेरीज इन पाइथन, डेटा साइंस की। पाइथन एक जनरल पर्पस लैंग्वेज है जिसके ऊपर बड़ी डिटेल में सुबह बात होने लगी। ठीक है, ठीक हो, ठीक है ना, ठीक है जी। अली खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर आप इसको अब नहीं ना करते, तो जब आपने एडवांस लेवल पे डेटा साइंस करनी है ना, देन यू हैव टू डू इट, तो स्किप मैं नहीं करवाने वाला। ये वही चीज है कि तख्ती पे लिखें या कॉपी पे लिखें, हम तो तख्ती पे हमारा गुजारा हो रहा है, कॉपी क्यों लेनी, दुनिया कॉपी पे पहुंची है इसलिए लेनी है। ठीक है, समझ आई बात की, काम तख्ती पे भी लिखने वाला हो रहा है, फ्यूचर में टाइम बचाने के लिए वी हैव टू कॉप अप विद द न्यू टेक्नोलॉजीज। फॉर एग्जांपल, आप एनाकोंडा मिनीकोंडा नहीं करते इंस्टॉल अब, ठीक है, लेकिन आप कहीं पे जॉब पे जाते हैं, वो आपको पूछते हैं एनवायरनमेंट कैसे बनाते, तो आप क्या कहेंगे कि हमारे जिसने डेटा साइंस हमें पढ़ाई है तो उसने हमें बताया नहीं, नहीं ना, ऐसा नहीं ना होगा, तो हमारी चॉइस कम होगी ना फिर, तो वी हैव टू फॉलो द थिंग्स जिस तरीके से चलते हैं। अगर आप एनवायरनमेंट एक दफा, वो दो वीडियो जरूर देखें, मैं सभी को रिकमेंड करता हूँ बार बार के वो दो वीडियो जरूर देखें प्लीज, सोने से पहले आपको समझ आ जाएगी, सोने से पहले या तो सुबह उठ के देख लीजिएगा जैसे आपको दिल करता है, लेकिन उनको जरूर देखें, आपको समझ आ जाएगी। बहुत इजी है, इतना इजी है कि मतलब आप छोड़ पाते नहीं, बहुत इजी है।
और दो क्वेश्चन मेरे और है कि जैसे हम वीएस कोड स्टूडियो में लिखते हैं ना, लाइक प्रिंट लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली सजेस्ट करता रहता है ये, फिर वो रहीम भाई इस टाइम बता रहे थे, मैं साथ प्रैक्टिस कर रहा था, जब हमने जुपिटर नोटबुक ओपन की थी तो उसमें ना वन टू आर लाइक खुद से लिखना पड़ता है, तो ऐसा हो कि फंक्शन या ऐसी कोई चीज उसमें होती है कि साथ साथ वो हमें बताए लाइक सजेस्ट करे कि ये प्रिंट करेंगे, या जिस तरह वीएस कोड स्टूडियो में होता है इस तरह को गिटहब कोपायलट, गिटहब कोपायलट का मैंने आपको बताया, दैट कैन हेल्प यू इन दैट वन, और इंटेलीकोड है इसी तरह की, इसको बोलते हैं कोड इंटेलिसेंस। इंटेलिसेंस का मतलब होता है कोड खुद ब खुद आ गया, आपको सजेशन मिलती है। तो आप गूगल पे सर्च करें ना, ये जितना आपने मुझे उर्दू में बताया ना, ये सेम गूगल पे इंग्लिश में लिखें, आपको लिस्ट आ जानी है पूरी की पूरी एक्सटेंशंस की, ठीक हो गया? तो बहुत इजी है मतलब, लेकिन गिटहब कोपायलट है और इस तरह और भी काफी चीजें, वी विल वर्क ऑन दैट। लेकिन अगर आप अभी से जुगाड़ की तरफ जाएंगे ना तो आप बेसिक नहीं समझ पाएंगे, तो वो काम खराब करेगा। तो बेहतर यह है कि आप बेसिक पे हमारे साथ काम करें, फिर आपका टाइम बचाने के लिए जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप उस पर अमल करें, क्योंकि गिटहब कोपायलट है तो मशीन ही ना, तो मशीन में गलतियां तो होती हैं क्योंकि इंसान ने बनाई है। सो दैट वन। अच्छा, हमारी मीटिंग खत्म हो चुकी है, जिसने मीटिंग छोड़ के जाना है दे कैन गो, देयर इज नथिंग आई एम गोइंग टू अनाउंस, बस मैं क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूं क्योंकि आई वाज लिटिल बिट लेट, सो आई ओ यू फ्यू मोर मिनट्स, तो इस वजह से मैं आंसर दे रहा हूं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूं? चलते रहने दें, ठीक है, सही। मोहम्मद तजम्मुल अब्बास आई थिंक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वीडियो ऑन कर लेते तो बेहतर था भाई। जी सर, मैंने आपके, अस्सलाम वालेकुम सर। फिर वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैंने आपके चरणों को छूने आना है फैसलाबाद, तो मुझे काइंडली बता दे। जान दे तो जी फैसलाबाद ही असल हो रही है। लाहौर लाहौर ही है भाई, तुसी जिथे पहुंच गए हो ना। नहीं नहीं यार, ऐसी बातें नहीं करते, आप पढ़े मेहनत करें, यही सब कुछ है। वैसे हो क्या गया, खैर है? जी सर, मैं काफी आपसे इंप्रेस हूं, तो मैंने चरणों को छूने बसाना के फैसलाबाद तीन दिन की जो में घर वाले तो नहीं मान गए, वो मनाना मना लेंगे। अच्छा ठीक है। नहीं नहीं, हमारी वर्कशॉप हो रही है, आप आ सकते हैं भाई 27 टू 29 ऑफ अक्टूबर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद में, जिसकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर इंशाल्लाह मंडे ट्यूसडे को मैं आपको दे दूंगा, मोस्ट वेलकम, आए आप। लेकिन ये बात गलत है चरणों को छूने वाले, वैसे मिलने आए आप, आई एम देयर फॉर यू गाइस। नेक्स्ट चलते हैं जी, आयशा अजीज। जी आयशा। आयशा अजीज अनम्यूट कर लें खुद को। आयशा मेरे ख्याल बोल रही है मास्क के पीछे, मुझे नहीं पता लग रहा। जी आयशा बोले। आयशा आपका भी माइक नहीं चल रहा, वी हैव टू गो फर्दर। मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद आसिफ आप खेल सर, आवाज आ रही है? अगले मैच में, आई एम जस्ट किडिंग। जी डॉक्टर साहब, पहले तो सलूट आपको, और दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर, लाइब्रेरी जब हम इंस्टॉल करते हैं उसको रिमूव करना जरूरी है, या एक दफा इंस्टॉल हो जाए पड़ी रहे कोई इशू? चले मैं मिसाल दूं। जी मिसाल दूं, मिसाल थोड़ी सी ऐसी है जो अडल्ट ह्यूमर में आती है, लेकिन आई विल गिव दैट क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा तो है नहीं, पर इतनी वो वाली अडल्ट वाली नहीं, लेकिन अडल्ट ह्यूमर में आती है वो ये कि यार जब आप कहीं सब्जी मंडी जाएं और खाना ज्यादा खा के फुल हो गए, तुन हो गए, वापसी आते आते आपके हाथ में एक थैला होता है, आपने जाना होता है वॉशरूम, तो आप थैले को क्या करते हैं? फेंकते हैं। गेट के, नहीं नहीं, गेट के साथ रख देते हैं और कहते हैं पहले मैं वॉशरूम से बोलूं फिर आके रखता हूँ उसे। तो अक्सर ऐसा होता है बंदा जल्दी जल्दी में गलत लाइब्रेरी गलत कमरे में जाके रख देता है, ठीक है, तो उसको फिर रिमूव करना होता है। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन है सर, फर्ज करें ये पाई फॉरेस्ट हम इंस्टॉल करते हैं और वो उस जंगल में कुछ दो चार दरख्त और लगा लेते हैं, तो ये खुद अपडेट हो जाती है या हमें वक्तन फोक्तन अपडेट करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, ये मैं आपको बताता हूँ, जो आपने इंस्टॉल किए हैं ना इसके अंदर पैकेजेस, कोंडा के अंदर एक बहुत अच्छी कमांड है कोंडा अपडेट, कोंडा के नाम से अगर आप लिस्ट देखेंगे वो जितने पैकेज उस एनवायरमेंट के अंदर होते हैं ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं भाई, कोंडा इसी वजह से तो कोंडा है ना। फिर आपका नौकर जो हुआ वो
मशीन है ना, रोबोट हमारे नौकर ही है ना बेसिकली, वी कैन यूज दैट वर्ड. तो उसको फिर कहेंगे कि यार कोंडा जा देख जो इसके नई वाले वर्जन आए उठा के बोला क्या, तो पुराने वर्जन से काम चलाता रहता है. तो उसकी कमांड है कोंडा अपडेट कोंडा. कोंडे ने पकड़ के ना लो सर हो गए और कोई मेरे वास्ते हुक्म, फिर आपने उसे कहना आधा किलो दही ला दे तो वो भी कर देगा. लेकिन आई एम जस्ट किडिंग. ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू आसिफ भाई, ऐसी एनर्जी मेंटेन रखे, इंशाल्लाह बहुत आगे जाने वाले हम. प्रिया खिजर, इफ आई स्पोक राइटली. प्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है? जी वेरी क्लियर जी, प्लीज बोलें. मेरा सवाल ये है कि अब जैसे मैं जॉबियन हूँ तो 11 से 5 की टाइमिंग है, तो ये हर वीकेंड पे ऐसे ही होगा मेरे लिए? तो मतलब जैसे लाइव क्लास में मजा आता है, वो रिकॉर्डिंग में मजा नहीं आता, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लाइव ही अटेंड करूँ. ये तो आप तो, कौन सी कंपनी में जो सैटरडे संडे को भी आपको कहते हैं आ जाओ काम पे? नहीं नहीं, संडे को नहीं, सैटरडे को तो होती है ना. तो सैटरडे 11 से 5 5 बजे तक मैं घर आती हूँ. ठीक है, आपने आके सैटरडे वाली सुन लेनी है. ठीक है, संडे को, संडे को तो आपके लिए इजी है ना फिर, तो उसकी बेस आप. लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं लाइव ही लूँ, मतलब जब भी लूँ, क्योंकि वो प्रॉब्लम है उस तरह से मजा नहीं आता उस तरह से पढ़ने का. I totally understand, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ना अपने स्केड्यूल को मेंटेन करना पड़ना है, अदरवाइज वी कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. हाँ ये है कि रिकॉर्डिंग आपको दे रहे हैं ये बड़ी बात है, बट अक्सर औकात मैं इस पे अड़ जाता हूँ कि नहीं रिकॉर्डिंग नहीं देनी. वो मुझे पता है कि आप लोग जॉबियंस भी हैं, तो आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस करें. 40 दिन में कितने हफ्ते आते हैं, चले गिनते हैं, 5 या 6, 5.5, ठीक है, तकरीबन 6 हफ्ते. तो 12 दिन हुए, 12 में आपके 6 दिन हैं जो आपके हफ्ते वाले हैं. ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है जिस काम पे आप जाते हैं कम से कम हेडफोन लगा के आप पॉडकास्ट सुनती रहे हमें? नहीं, क्योंकि फिर वो साथ साथ और काम मतलब आता रहता है, इस वजह से थोड़ा मुश्किल हो जाता है. लेकिन रिकॉर्डिंग आपको सैटरडे को सुननी पड़ेगी, आई एम सॉरी टू से दैट. वो ठीक है सर, थैंक यू. मेरा असल में प्लान बोला क्या था, मैं रात को काम करने वाला बंदा, मेरा प्लान ये था कि वी कैन वर्क ऑन सैटरडे नाइट एंड फ्राइडे नाइट. लेकिन फ्राइडे नाइट के बाद सैटरडे वाले जिन्होंने काम पे जाना उनका मसला होता है, तो सैटरडे नाइट मेरे लिए कुछ ठीक बन रहा था कि रात को बैठे और सारी रात कोडिंग की जाए. लेकिन वो हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं उसके अंदर, कुछ फैमिली वाले लोग हैं, आप जॉब ही है ना, फिर कुछ फैमिली वाले आते हैं वो कहते हैं बाबा जी थोड़ी वजह तो कर नाराजगियां हो गई हैं, तो इस वजह से उनको भी देखना पड़ता है ना, तो पीछे से फिर आ जाते हैं कि खाना खा लें, ये कर लें, वो कर लें, तो फिर काम नहीं होता. तो इस वजह से टाइम को मैनेज किया गया, इंशाल्लाह होपफुली हम कुछ करके दिखाएंगे इसमें. आयशा अजीज, आपका क्वेश्चन, अगर आपका माइक चल पड़ा यू कैन आस्क, अदरवाइज वी आर गोइंग टुवर्ड्स एसन शुएब. एसन शुएब, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. एसन नहीं उठता कोई, ऊंची बोलो जरा. सर मेरा स्टूडेंट गिटहब स्टूडेंट बैग के बारे में क्वेश्चन था कि वो हमें मिल गया, तो क्या उसके ऊपर कोई वीडियो आएगी कि उसको कैसे यूज करना है उसका प्रॉपर एक? पहले तो भाई पार्टी बनती है अगर मिल गया, इतने ज्यादा रिसोर्सेज फ्री में ले लिए, यहाँ पे लोग 5-5 दफा ट्राई कर रहे हैं. खैर उस पर वीडियो भी आएगी और बाकायदा उसको हम कल पूरा डिफाइन करने वाले हैं. आज हमारा प्लान था लेकिन मैं जब जंप इन किया मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ चल रही है, लोगों को समझ नहीं आ रही या लोग समझना नहीं चाह रहे या उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही. हालांकि मुझे पता है कि जो हमारी टीम के मेंबर है ना उनका पढ़ाने का स्टाइल जबरदस्त है, इवन बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्रोफेसर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी, आई कैन गारंटी दैट. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं ना और हमारे चेहरों पर कह देते हैं कि हमें समझ नहीं आई, तो आप कभी यूनिवर्सिटी में जाके देखिएगा ऐसी चीजें ना. तो जस्ट कीपिंग इन माइंड, इंशाल्लाह हम कल को इसको गिटहब एजुकेशन पैक के ऊपर पूरी की पूरी आपको डिटेल में बताने लगे क्यों जरूरी है और गिटहब को पायरेट भी आपको कल बताने वाले हैं, एंड दैट विल बी हेल्पफुल फॉर श्योर. ठीक है, बाकी हमारी टीम नहीं नाराज होती अगर हमें क्रिटिक करते हैं. हमारी टीम अगर बोर हो रही है यू कैन लीव, मैं यहाँ पे क्वेश्चन हैंडल कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं है. हसीबुर रहमान, अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम सर, मैं वीएस कोड में इंस्टॉल करता पाई फॉरेस्ट, पहले मेरा पिप का इशू था कि अपडेट करने, मैंने अपडेट किया पर अब अपडेट किया फिर भी एरर आ रहा है कि कैन नॉट डिटेक्ट आर्काइव फॉर्मेट, उस लिंक से जो उनसे सर तकी ने बताया था वहां से. एक मिनट, आप पिप लगा के इंस्टॉल कर रहे हैं पाई फॉरेस्ट को? सर ये इधर जहां पे वीएस कोड में जहां से सर तकी ने किया था ना पाई फॉरेस्ट लगा के पिप लगा के वहां से, मैंने पहले पिप का इशू आ रहा था कि पिप अपडेट करें, मैंने अपडेट किया पर दोबारा जब मैंने वही प्रोसेस किया लिंक पेस्ट करके तो
अब आ रहा है, एरर आ रहा है कि कैन नॉट डिटेक्ट आर्काइव फॉर्मेट। अच्छा, आपने एक दफा कोशिश की जो मैंने लिंक भेजा था उसे ओपन करके गिटहब पे जाके उसकी पूरी डिटेल पढ़ने की या कुछ तीन चार तो वही जिस तरीके से तकिन किया था मैंने उस तरीके से किया है व्यास में दिया तकिन किया वो आई कैन अंडरस्टैंड के आई कैन अंडरस्टैंड के तकिन ने किया वो लिंक को देखें आपको समझ आ जाएगी ठीक है। वो लिंक मैंने इसी वजह से तकी के बोलते बोलते आपको भेज दिया था कि आप अच्छे तरीके से देख सकते। ये माइक किसका चल रहा है? आयशा आपका माइक चल पड़ा है मेरे ख्याल से, बोले आप आयशा अजीज? आयशा अजीज नहीं बोलना चाह रही आई थिंक। नेक्स्ट चलते हैं साथी जुलकर मैन। सलाम अलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि हम लॉकडाउन में है तो किसी वक्त हमारा इधर इशू होता है। आप भी चाइना में फंसे हुए हैं? जी जी, तो इस वजह से बस रिकॉर्डिंग जरूर दीजिएगा क्योंकि पता नहीं चलता है इधर किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं रिकॉर्डिंग जरूर दूंगा और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेहनत जरूर कीजिएगा साथ 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 साथ। अभी तक तो मैं बहुत डर रहा था क्योंकि मैं बीमार हो गया था, मुझे कोविड हो गया था। मैंने भाई के साथ कहा भी था कि शायद मैं ना कर सकूं, लेकिन मैं रिकवर कर गया हूँ अल्लाह का शुक्र है। बस ये बड़े पैशन के साथ ये कर रहे हैं हम। मैं बहुत डर गया था कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं। बस रिकॉर्डिंग क्योंकि उसके साथ बंदा बार बार प्रैक्टिस करता रहता है। इस वक्त नॉर्मल हो जाएंगे तो उधर डबल स्क्रीन भी होती है ऑफिस में, तो बंदा इजीली इधर जरा लैपटॉप है और थोड़ा लैपटॉप में एक ही स्क्रीन आधी आधी करके देखनी पड़ती है, तो इसमें थोड़ा इशू होता है, लेकिन बाय टाइम इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा। ठीक है, आप बस मेहनत करें और रिकॉर्डिंग मैं अवेलेबल कर रहा हूँ अभी इसी वजह से, लेकिन रिकॉर्डिंग जो है वो दो दिन के बाद मैं उसे प्राइवेटाइज कर दिया करूँगा, तो वो आपको दो दिन के अंदर अंदर ही देखना पड़ना है 48 आवर्स जो हमने स्टार्ट में कहा हुआ था। ठीक है, खासतौर पे कल का बूट कैंप जो है ना वो आपको अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है सिखाने वाला है, तो दैट्स वाई आई एम वर्किंग ऑन दिस। सलमान अब्बासी साहब आप मोबाइल पे ऑनलाइन हैं, चले सुन लेते हैं आपकी क्योंकि हम थोड़ा सा इनफॉर्मल चल रहे हैं। नहीं सर, मैं लैपटॉप पे भी ऑनलाइन था, अभी मैंने ऑफ किया जब आपने जाए कि जो जाना जाए तो। बस साहब आपकी आवाज कट गई। मैं दो बातें करूंगी, एक तो सर आपका थैंक यू करूंगा, दूसरा जितने स्टूडेंट है वो है अगर आपकी फैसिलिटी साहब और सर साहब कोई बात है तो मैं थैंक यू के लिए कर दी सर। बस साहब आपकी आवाज कट रही थी, इस वजह से आई हैव टू गो टुवर्ड्स अली खान अगेन एंड द लास्ट वन वुड बी जुनैद एंड देन वी आर साइनिंग ऑफ। अमार भी मेरा क्वेश्चन ये है कि वो अभी मैं वो देख रहा था उसमें अपडेट एनवायरनमेंट का एक था, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि वो जब हम एनवायरनमेंट को अपडेट करते हैं तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो जो हमने नई एनवायरनमेंट क्रिएट की है वो लाइक हम वो अपडेट उसमें लेके जाना जाए, इज इट पॉसिबल, या वो सिर्फ बेस एनवायरनमेंट को ही अपडेट करेगा? बेस आपका ग्राउंड फ्लोर है भाई, हॉल है वो। लास्ट टाइम जो मैंने आपको मैंने स्क्रीनशॉट भेजे थे, मेरा जो इशू हुआ था अरसलान भाई के थ्रू चाइना में, आपको पता है वीपीएन के मसले होते हैं, तो ऐसा इशू होगा वो फिर से वो मसले शुरू हो जाएंगे उसमें, तो फिर क्या होगा? नहीं कोई भी मसला नहीं होने वाला जब आपने एक दफा इंस्टॉल कर लिया। मुझे आपकी बात ये समझ आई है कि आप कह रहे हैं कि जब हम दोबारा से इसे अपडेट करते हैं तो वो दोबारा से सारा के सारा मिनी कोना एनवायरनमेंट जो है वो दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ेगा, इज इट लाइक दैट? और नहीं नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जो मसले आए थे वो कर्नल और वो बाकी सारे बैड एड्रेस वगैरह, तो अगर मैं इसको अपडेट करता हूँ तो फिर से इज इट पॉसिबल कि वही इश्यूज आना दोबारा शुरू हो जाए? वो हिट एंड ट्राई मेथड, हिट एंड ट्राई मेथड उसको करें, बचे ना, एरर से कभी डरा ना करें। अगर ऐसा कोई मसला आता भी है ना, कोई प्रॉब्लम आती है, तो इट्स बेटर कि अब आ जाए बजाय इसके कि आप कोई 1-2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट कर रहे हैं और तब एरर आए। ठीक है, अब आएगा तो आपको सीखना आ जाएगा कि कैसे इसको रिजॉल्व करना, अदर देन दैट आपके लिए प्रॉब्लम होगी, तो आप पंगे लें अभी कौन सा आप कोई प्रॉब्लम है आपको वत की हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यही होगा ना, आपको दोबारा से इंस्टॉल करना पड़ जाएगा, डजंट मैटर, अभी कोई इतने कॉस्ट तो नहीं ना पड़ रही आपको। इसी वजह से इसको लर्निंग फेज में हिट एंड ट्रायल मेथड को ज्यादा हम जो है वो प्रमोट करते हैं कि अब पंगे ले के बंदा सीखता है। वो एक कहावत है ना पंजाबी में, उसको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करता हूँ कि साइकिल चलाना उसी बंदे को होता है जो ज्यादा दफा गिरा हो,
और डिग डिग के बंदा सीखता है, तो जब तक आप पंगे नहीं लेंगे काम सीखना नहीं आएगा आपको, ठीक है। और दूसरी चीज ये, जी जी बोले आपका, नहीं रुकेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ सभी को कि आप खुद देखें कि जब नए नए विंडोज के पीसी आए थे, अब में से कितने लोगों को फौरन जाते चलाना आ गया था पीसी, पंगे ले लेके आया ना। स्मार्टफोन स्टार्ट में किसी को चलाने नहीं आता था, पंगे ले लेके चलाने आया। हमें किसी ने सिखाया स्मार्टफोन पे, भाई व्हाट्सएप ऐसे चलाते हैं, हमने पंगे लिए, हमने सीख लिया। अब हम लोगों को बता रहे होते हैं भाई ये वाला लगता है 7 दिनों के अंदर मैसेज डिसअपीयर, 24 घंटों के अंदर मैसेज डिसअपीयर, कोई स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता, ठीक है। जब किसी नए नए बंदे से बात करनी है ना तो इस तरीके से, मतलब ये हम बता रहे होते लोगों को, प्रॉक्सी हमने आपको बताई है। अभी आज मेरी 3-4 दफा प्रॉक्सी चलनी बंद हो गई थी टेलीग्राम की, ठीक है, तो मैंने भी तकरीबन 15-20 प्रॉक्सी सारी डाउनलोड की, उसमें आ जाता है फॉरन लिस्ट के ये वाली चल रही है उसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन हिट एंड ट्रायल मेथड। अली खान बोले आप, लास्ट क्वेश्चन जुनेद का होगा एंड देन वी आर साइनिंग ऑफ, क्योंकि ऑलरेडी मैं कह चुका था ये, अदरवाइज इट विल बी गोइंग ऑन फॉर अंटिल 12, तो मैं ये नहीं चाहता। अली बोले प्लीज। अच्छा वो अमार भी, मैं आपकी वो वीडियोस देख रहा था पुराने वाले, तो मैडम कुरदुलैन के साथ आपने गिटहब पे वो की थी वर्कशॉप की थी, तो उसमें उस दौरान मैंने ना वो लाइक मेरा हो गया स्टूडेंट पैक, क्या कहते हैं, पैक वगैरह अप्रूव हो गया। अच्छा उसमें आपने कहा था कैनवास सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर हमारी एक प्रेजेंटेशन थी अभी वो, उसके लिए जब मैंने शुरू किया तो उसमें तो कैनवा है ही नहीं, लाइक उन्होंने हटा दिया, आई डोंट नो क्या हुआ। तो जब मैं कैनवा की वेबसाइट पे गया वो तो पैसे मांग रहे हैं, वो तो है ही नहीं है फ्री, तो इसका कोई अल्टरनेटिव या कोई सीन होगा15-16 लोग होंगे चलो फ्री में यूज करते रहेंगे, वो मेरी आईडी ब्लॉक होगी फ्री वाली की, दूसरी बनाई वो भी ब्लॉक होगी। अब हम मेरे से पूछती है, मैंने रखा था कि यार ठीक है 500 रुपए का कैनवा, मैंने ये बात की उस वक्त, मैंने बोला कि 500 आपने मुझे नहीं देने, कोई अपने आसपास कोई गरीब होगा बंदा या किसी को जरूरत है उसे 500 दे देना आप, ठीक है, तो आपको कैनवा का मैं अकाउंट दे दूंगा, मैंने बड़ी हुआ आपको दिया। बाद में उन्होंने मेरे साथ की कैनवा मैंने देना बंद कर दिया, इफ यू नीड सो जस्ट टेक्स्ट मी, अदरवाइज मेरे ख्याल से तकी आपने बनाई हुई है ना उसमें वीडियो कैनवा के ऊपर। जी जी कैनवा आप मेरे साथ लिंक शेयर कर दें, मैं आपको अपनी टीम के अंदर ऐड कर देता हूं। वैसे कैनवा एक्सक्लूड तो नहीं किया? नहीं नहीं मेरे ख्याल से गिटहब एजुकेशन पैक से एक्सक्लूड हो चुका है इस दफा, हमारी पिछले चिल्ले की दफा नहीं था, अब मेरे ख्याल से हो गया, बट वी विल सी। मैं कैनवा का भी जो तोड़ है ना वो आज ही आपको दे देता हूँ, खुश रहे सारे। बल्कि नहीं, जो बूट कैंप पूरा करेगा कल और परसों का उसे मिलेगा कैनवा का फ्री लिंक, बंडी जाओ फ्री में पूरा प्रो वर्जन हर एक भाई से रابطہ कर लेता हूं, ताकि भाई मुझे प्लीज वीडियो दे दीजिएगा। क्या मैं कहूं, मैं ताकि भाई से रابطہ कर लूंगा, कह रहे हैं ना वीडियो है इनके पास की, तो वो वीडियो दे देंगे साथ साथ, वो भी मैं देख लूंगा मैं इंशाल्लाह उसके बाद आपसे बोल देता हूं। नहीं नहीं ताकि ऐसे देने नहीं वाला, ताकि ऐसे देने नहीं वाला, ताकि ने भी बूट कैंप के बाद ही देनी है, ताकि मैं कह रहा हूं बूट कैंप करेंगे, मिल जाएगा डोंट वरी, मिल जाएगा मंडे तक इंशाल्लाह आपको देते हैं। जुनेद भाई लास्ट क्वेश्चन है, देन वी आर साइनिंग ऑफ। जुनेद भाई सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मार भाई? आ रही है, ऐसे आ रही है जैसे अनाउंसमेंट करने लगे, गाइस वी आर गोइंग टू लैंड, केविन क्रो प्लीज बी सीटेड। नहीं अच्छा मार भाई, मैं पहले तो ना अपने सारे फेलोज को एक बात करना चाहूंगा। मैंने इस हफ्ते में एक चीज नोट की है कि ऐसा सोच रहे हैं कि जो हमें पढ़ा रहे हैं ना वो बड़े परफेक्ट हो और ये वो चीजें। मैं सर अपने 4 साल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में 2 बार एक ही कोर्स में फेल हुआ और वो वाहिद कोर्स पाइथन था, और जबकि मेरा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूरा का पूरा पाइथन में है, लेकिन वो मैंने सारा खुद सीख दो के मैंने तीसरी बार में पाइथन पढ़ लिया। जुनेद मेरी बात सुनो, जुनेद एक मेरी बात, सबसे पहले ना आपने सुबह मुझे अपना जायज कहा भाई को मैं 200 रुपया ट्रांसफर करता हूँ, जाके हैंड फ्री अच्छी वाली दे दिया आपने ना सुबह, मुझे अपना जायज कैश भेजे मैं आपको 200 रुपया भेजता हूँ, आप जाके मेरा भाई सुबह को उठते फर्स्ट टाइम जाके नई हैंड फ्री लेके आनी है, ठीक है।
अभी आ रही आवाज, कानों के अंदर ना कुछ आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आ रही है, बस छोड़ बातें दो। वो बचपन में नहीं हम लगाते होते थे आइसक्रीम खा के, आइसक्रीम के कप के अंदर एक वायर लगाते होते थे, एक उधर से बोलता होता था, दूसरे ने कान पे रखा होता था कि आवाज जा रही है, ये वो वाला सर, तो आ रही होगी, अब आ रही है, बोलो। ठीक है सर, तो मैं ये कह रहा था कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो पढ़ाने वाले ना परफेक्ट है। सर मैंने ना सिंपली लर्न एडुरे का ये यहाँ से पढ़ पढ़ के ना मैंने सारी ये चीजें छोड़ दी हुई है, लेकिन वो सारा स्क्रिप्टेड था, सिर्फ और लिमिटेड चीजें और लिमिटेड डाटा सेट जो उन्होंने ऑलरेडी एक्स वाई में डाल के हमें बताया हुआ है, तो सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। यहीं से पता लग रहा है कि आप लोग नेचुरली पढ़ा रहे हैं, मतलब करंट टाइम पे, रन टाइम पे एक बंदा खुद मिस्टेक कर रहा है वो समझा रहा है। मैं बाकी को ये चीज बता रहा हूँ कि ये चीज कोई गलत नहीं है, कि अगर पढ़ाने वाले से कोई गलती हो रही तो हम ये एक्सपेक्ट करके बैठ जाए कि नहीं से तो कुछ आता ही नहीं है। तो दूसरी चीज सर रिलेटेड थी इससे, बूट कैंप से और जो हमारा वर्कशॉप होने वाली है उससे। सर आपने बताया था कि हमने अभी बूट कैंप में हमारी जो है स्टैट्स है उसको कवर करना है और पाइथन की बेसिक सारी, सर इसका थोड़ा सा आप ब्रीफ एक बार इंट्रोडक्शन देते हैं। दूसरा सर ये कि मैंने पूछना था जो हमारी वर्कशॉप होगी यूनिवर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर में, उसमें सर मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का भी टच देने है, सिर्फ हम पाइथन की बेसिक्स पे ही रहेंगे? गुड क्वेश्चंस, मैं सारे भूल गया हूं, मैं कोशिश करता हूं आस्ता आस्ता आंसर देने की। पहला आपका क्वेश्चन ये था कि गलतियां होती हैं, इंसानों से होती हैं, नेचुरली होती हैं, मैं तो भाई जानबूझ के भी करता हूं गलतियां, ठीक है। आपने अगर मेरी वीडियो देखी है कल वाली, उसके अंदर मैंने कितनी दफा .py जानबूझ के भूला कि आप ना कभी भूलें, ठीक है, तो वो एक हिकमत के तहत भी हो जाता है, लेकिन अक्सर नेचुरली भी हमसे गलतियां होती हैं, एंड आई एडमिट दैट, इसमें कोई बात नहीं है, तो वो हर किसी से होनी चाहिए। सेकंड आपका क्वेश्चन था कि वो मैं भूल गया, थर्ड आपका क्वेश्चन था कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर वर्कशॉप होनी है तो उसके अंदर डीप लर्निंग मशीन लर्निंग होनी है, डीप लर्निंग नहीं होनी, मशीन लर्निंग का एक पार्ट जरूर होना है, डीप लर्निंग नहीं होनी, ठीक है, ठीक हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से हमारा एंड हो गया यहाँ पे क्वेश्चंस का, तजम्मल अगर लास्ट बात कोई कहना चाहते हैं आप बोले, फिर देन आई एम गोइंग टू साइन ऑफ। सर मैं कहना चाहता था कि ग्रुप में ना जो असाइनमेंट होती है वो शेयर कर दें कि काइंडली। नहीं ऐसा नहीं कर सकता, नहीं संजय दत्त की तरह नहीं, तो नहीं पता कैसे कि हमने क्या काम करना है होमवर्क, यही तो फिर बात है भाई, यही तो पता करना है हमने कि आप फोकस हो के लेक्चर भी सुनते हैं कि हम बस आए हैं और जूम के अंदर बैठे हुए हैं, दैट्स इट, ना ऐसा नहीं होगा, ये हमारी जान बूझ के हम ऐसे काम करते हैं, क्या हमें पता चले कौन सुन रहा है, क्वेश्चन पता लगेगा कि फिर मैं उसके ऊपर असाइनमेंट बनाए अपने। नहीं नहीं तुम्हें मुश्किल भैया, क्वेश्चन हम बताते हैं, बकायदा बताते हैं, एक नहीं दो दफा बताते हैं, तीन दफा बताते हैं, देन वी हैव टू सी, ठीक है, तो इस तरीके से नहीं होगा कि हम उसको बार बार एक ही दफा बताते हैं कि यही करना यही करना यही करना, वो एक दफा जो बता दिया गया, यू हैव टू डू दैट। अब सिद्धार्थ भाई का अगेन एक क्वेश्चन आ गया, सिद्धार्थ भाई आप बोले यार हम कोई हाथ खड़ा ना करें। नहीं सर मैं भी हाथ थले कर लेना, सिर्फ बाबा जी छोटी जी गल दसियो कि एनाकोंडा दा रिप्लेसमेंट आ मिनी कोंडा या दोवें करने जरूरी है? मिनी कोंडा और एनाकोंडा दोनों एक ही बहन भाई है, ठीक है, एनाकोंडा जो है वो जरा वेट लिफ्टिंग करके थोड़ा सा दिग्गज हो गया, थोड़ा सा बड़ा गया, काम उसका भी वही है, ठीक है। मिनी कोंडा आपका चलता है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर सिर्फ और सिर्फ, ठीक हो गया, ठीक है। जब आप एनाकोंडा करते हैं उसके अंदर आपको काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर्स आते हैं, स्पाइडर हो गया, इधर उधर की चीजें जो आपको दिखाई होंगी तक, ठीक है। सो एनाकोंडा करना जरूरी नहीं है, अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, मिनी कोंडा जरूरी है, एनाकोंडा के अंदर मिनी कोंडा भी, ठीक है। तो ये सर मैंने असल में वो आपकी सॉरी मैं बात कर, मैंने ना असल में वो स्टेप वाइज वीडियोस देखी हुई है ना, तो मैं उस हिसाब से वो पहले मैंने एनाकोंडा वाली देखी तो वो किया हुआ है, तो फिर गेट हब का आपने बताया था, फिर मैंने वो भी अप्लाई किया, वो भी मुझे मिल गया, तो मैं वो जो आपकी पास्ट वाली वीडियो उनको देख के स्टेप वाइज चल रहा हूं ना, तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि मिनी कोंडा मुझे पहले नहीं था पता, तो मैंने इसलिए एनाकोंडा किया हुआ। एनाकोंडा भी ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन मिनी कोंडा जो है वो एनाकोंडा के अंदर ही होता है, तो इट डजंट मैटर, ठीक है। थैंक यू ओके जी, अपना ख्याल रखें, कल को इंशाल्लाह मिलते हैं तकरीबन 11 बजे के करीब, अगर 2-3 मिनट ऊपर नीचे हो गए तो डोंट वरी अबाउट दैट, हम 10 मिनट का बफर रख रहे हैं, 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद, तो 10:50 से लेके 11:10 तक हम कभी भी मीटिंग में आ सकते हैं, ताकि आप भी थोड़े से ना इजी रहें कि कोई मसला नहीं है, इनफॉर्मल मीटिंग है। लेकिन कल को जितना भी आज तक आपको बताया गया चैट में टेलीग्राम के अंदर प्लीज देख के आइएगा, बिकॉज वी आर गोइंग टू डू सम बिग थिंग्स टुमारो एंड द डे आफ्टर टुमारो। टेक केयर, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें,
एंड वी आर गोइंग टू डू समथिंग रियली कूल और जो आप कर ना आपके होश उड़ने वाले इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। अब्दुर रहीम रिकॉर्डिंग रोक दें आप।